मेरे अनुसार एकदम नए विषय पर बात करूंगा। कोशिश करूंगा कि जिस विषय पर आज का व्याख्यान है इसके साथ में न्याय कर सकूं। ये इसलिए बोलता हूं कि भारत देश में राम कथा पर भगवान श्री राम के बारे में बात करने वाले बहुत विद्वान लोग हैं। समय समय पर उनकी राम कथाएं आपने यहां पर सुनी होंगी। इस विषय में मैं बहुत विद्वता नहीं रखता, लेकिन एक छोटा सा प्रयास जरूर कर रहा हूं अपनी दृष्टि से भगवान राम को समझने के लिए या राम कथा को समझने के लिए। और जो दृष्टि से मैं ये राम कथा को समझता हूं या श्री राम के जीवन में से जो कुछ मैं निकाल के देखता हूं वही आपके साथ संवाद के रूप में रखना चाहता हूं। आप सभी ने समय समय पर अनेक अनेक विद्वान वक्ताओं के मुंह से, साधु संतों के मुंह से राम कथा सुनी होगी। इस राम कथा के आधार हमारे देश में ज्यादातर जो हैं, वो एक महान कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस और उतने ही एक महान कवि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण रहा है। मैं भी बचपन से मेरे परिवार के संस्कारों के कारण वाल्मीकृत रामचरितमानस का समय समय पर जब भी मौका मिला है पाठ करता रहा हूं। मेरी माँ नियमित रूप से हर दिन सुंदरकांड का पाठ करती है, नियमित रूप से उनका भोजन करने का समय सुंदरकांड के पाठ के बाद ही होता है। तो बचपन से मैं उनको सुंदरकांड पढ़ते देखता रहा हूं और कानों में वो सुंदरकांड की चौपाइयां भी पढ़ती रही हैं। इसके अलावा हमारे परिवार में बहुत पुरानी परंपरा है कि साल में कम से कम एक बार रामचरितमानस का पाठ किया जाए बिना रुके, 24 घंटे का वो होता है। हमारे गांव में भी ऐसी परंपरा है जो मेरा जन्म स्थान है। तो बचपन से रामचरितमानस में जो कुछ गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है वो सुनता और पढ़ता आया। थोड़ा प्रयास करके वाल्मीकि रामायण में जो कुछ महाकवि वाल्मीकि ने लिखा है उसको समझने की कोशिश की। उसके अलावा मेरे एक गुरु हैं जिनका नाम है श्री धर्मपाल, बहुत बड़े इतिहासकार हैं और अभी जीवित भी हैं। भारत में कम इतिहासकार ऐसे हैं जिन्होंने प्रामाणिक काम किया है, उनमें से उनकी गिनती होती है। उन्होंने मुझे बार बार कहा कि अगर तुमको रामचरितमानस में इतना रस है या राम को समझना है तो रामचरितमानस है ठीक है, वाल्मीकि रामायण है वो भी ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत में लिखी गई जो राम कथाएं हैं उनको भी पढ़ो। तो मैंने दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख और सबसे मशहूर राम कथा कंब रामायण उसका भी अभ्यास किया। यह तमिल में लिखी गई है। इसी तरह से कन्नड़ में एक रामायण लिखी गई है उसका भी अभ्यास किया है। तेलुगु में एक रामायण है उसको भी जानने की कोशिश की है। और इसके अलावा आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भारत में अलग अलग जातियों की भी रामायण हैं जिनको हम भारत की जनजातियां कहते हैं और एक खराब शब्द कभी कभी उनके लिए इस्तेमाल करते हैं आदिवासी, हालांकि हम सभी आदिवासी हैं, उनकी भी अपनी रामायण है। और मेरा पिछले 10-12 वर्षों में भारत के कुछ ऐसे जन समूहों से, जनजातियों से संपर्क हुआ है जिनकी अपनी अपनी रामायण है, उनकी अपनी राम कथा है। तो अलग अलग जनजातियों के और जन समूहों के जो राम हैं और उनकी जो रामचरितमानस है या राम कथा है उसमें से वाल्मीकृत रामायण है, उसमें से गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस, उसमें से
भारत के अनेक अनेक महान लेखकों द्वारा समय समय पर भगवान राम के बारे में जो कुछ लिखा गया है उसमें से जैसे हमारे देश में एक महान कवि हुए कालिदास, उन्होंने भगवान राम की कहानी लिखी है रघुवंशम, जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति है, संस्कृत में है और पूरे भारत देश में संस्कृत के विद्वानों के बीच में पढ़ी और पढ़ाई जाती है। उसमें से अलग अलग स्रोतों से श्री राम के बारे में और उनकी कथा के बारे में जो कुछ भी मैंने समझने की कोशिश की है लगभग 1.5 से 2 घंटे में वो आपसे मैं कहूंगा। वैसे तो आप सब जानते हैं कि राम कथा कहना 2 घंटे में थोड़ा सा असंभव और दुष्कर कार्य है, क्योंकि मैंने सामान्य रूप से विद्वान वक्ताओं को देखा है 10 दिन 15 दिन 20 दिन कहीं कहीं तो महीने भर राम कथा चलती है और उसमें भी वो मानते हैं कि समय कम पड़ गया, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि 2 घंटे में या 1.5 घंटे में इस राम कथा का जो कुछ मेरे समझ में आता है वो आपसे मैं कह सकूं। और आज के इस कार्यक्रम का जो या व्याख्यान का जो शीर्षक है राम कथा में अंतर्निहित वर्तमान समस्याओं के समाधान, जो महत्व की बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राम कथा सिर्फ कथा कहने के लिए नहीं, उसमें हमारे देश की और समाज की समस्याओं के समाधान छुपे हुए हैं और उन पर हमारी नजर जाए, उस दृष्टि से मैं कुछ कहने वाला हूं। भगवान श्री राम के जीवन के बारे में जो मैंने देखा सुना पढ़ा उसको मैंने 2 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा है भगवान श्री राम के जन्म का और उनके जन्म से पूर्व उनके कुल के जन्म का वो है, और जन्म के बाद फिर उनका विवाह होता है वहां तक का। तो ये एक हिस्सा भगवान श्री राम का जन्म, जन्म के बाद का विवाह तक का समय और उनके जन्म के पहले उनके कुल का जन्म, ये एक हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा है भगवान राम के विवाह के बाद उनके वन गमन का, वनवास का, और वनवास में रहते हुए हम सब जानते हैं 14 वर्ष को बिताने का और अंत में रावण के साथ युद्ध का, और युद्ध में रावण की पराजय के बाद वापस उनकी राजधानी अयोध्या में लौटने का और फिर राज्य चलाने का, ये 2 हिस्से हैं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से मेरे अपनी मन की बात ये कहना चाहता हूं कि भगवान राम का या श्री राम का विवाह से पूर्व का जो जीवन है, उनके जन्म से लेके विवाह तक का जो जीवन है, उसमें मुझे बहुत प्रभावित नहीं कर पाया वो हिस्सा भगवान श्री राम का। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे राजकुमार अपने अपने माता पिताओं के घर में जिस तरह से जन्म लेते हैं और उनका लालन पालन होता है, लगभग कुछ उसी तरह का है। बहुत सारे राजकुमारों के माता पिताओं के मन में अपने संतानों के प्रति जो मोह होता है, जो आकर्षण होता है, लगभग उसी तरह का है। मुझे जो भगवान श्री राम का या श्री राम का सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला पक्ष है वो उनके वन गमन से शुरू होता है, और वन गमन से लेकर 14 वर्ष तक लगातार जो वो तपस्या का जीवन जीते हैं, त्याग का जीवन जीते हैं, उसी त्याग और तपस्या के जीवन पर शायद उनको हमने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। मैंने रामचरितमानस के बहुत विद्वानों से पूछा कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम किस हिसाब और किस आधार पर कहा जाता है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो त्याग किया और समाज के लिए जो आदर्श प्रस्तुत किया उसके आधार पर कहते हैं, इसमें सब एक मत है। तो उन्होंने त्याग तो तभी किया जब अपना राज्य छोड़ा, वो राजा होने की स्थिति में थे और उनके पिता श्री दशरथ ने तय कर लिया था कि राजगद्दी उन्हीं को सौंपनी है, ये सब कुछ हो गया था,
लेकिन एक दुर्घटना ने भगवान श्री राम को वन भेज दिया और श्री दशरथ की तीसरी पत्नी केकई के कहने पर या केकई के आग्रह पर भरत को राजगद्दी सौंपने का श्री दशरथ ने निर्णय लिया। यहां से मुझे लगता है कि उनके मर्यादा पुरुषोत्तम होने की बात समझ में आती है। उसके पहले का जीवन तो राजकुमार का जीवन है, महल का जीवन है, सुख सुविधाओं का जीवन है। उनके अपने सामान्य जीवन के जो राजा महाराजा होते हैं उसी तरह का दिखाई देता है, लेकिन जो उनके जीवन का उत्कर्ष है वो उनके वन गमन से दिखाई देता है। श्री राम जी को वन गमन हुआ है, ये सब कहानी और घटना आप सब जानते हैं। इसमें जो दृष्टि है, जो विश्लेषण है, जो देखने की बात है वो ये कि वो चाहे तो राजा हो सकते हैं, सारी की सारी प्रजा उनके साथ है। कारण क्या है? कारण बहुत सारे हैं, उनमें से एक कारण सबसे बड़ा ये है कि भगवान श्री राम या श्री राम अपने जीवन के उत्तरार्ध में पूर्वार्ध में सबसे ज्यादा प्रजा के नजदीक हैं। हम सब जानते हैं कि दशरथ उम्र में अधिक हो चुके हैं और वो धीरे धीरे श्री राम को तैयार कर रहे हैं। तो इस तैयार होने के क्रम में रोज का उनका नियम है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपनी प्रजा के बीच में जाते हैं। रामचंद्र जी, उनके पिता नहीं जा पाते, वो स्वयं जाते हैं और जनता के बीच में घूमकर, प्रजा के बीच में घूमकर उनके सुख दुख का हालचाल लेते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में निकलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की कल्पना हम सब कर सकते हैं, लगभग सुबह 4 बजे का समय। तो सुबह 4 बजे श्री राम घूम रहे हैं और ये उनका नित्य नियम है, बिना किसी अवकाश के, बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी बाधा के हर दिन वो प्रजा के बीच में है। परिणाम क्या है उसका? प्रजा उनको समझती है और वो प्रजा को समझते हैं। प्रजा के जो दुख दर्द है, नागरिकों की जो कष्ट है, जो समस्याएं हैं, वो सीधे उन्हें समझ पाते हैं और अपने पिता श्री दशरथ के पास लाकर उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं। ये एक अच्छी बात है कि राजा ना होते हुए भी श्री दशरथ ने राम को वो सब अधिकार दे रखे हैं जिनके आधार पर वो कोई फैसला ले सके। मान लीजिए प्रजा के बीच में कोई समस्या उनको दिखाई देती है तो दशरथ ने उनको ये अधिकार दिए हैं कि वो चाहें तो उस समस्या के समाधान के लिए महामंत्री को बुला सकते हैं, मंत्रियों को बुला सकते हैं, सैनिकों को बुला सकते हैं, सेना अध्यक्ष को बुला सकते हैं। ये सारे अधिकार उनके पास हैं। बस इतना ही है कि नाम दशरथ का चलता है, काम श्री राम खुद ही करते हैं। और ये सिलसिला उनकी उम्र के लगभग 12-13 वर्ष से शुरू हो जाता है। जब वो उम्र में 12-13 वर्ष के हैं तो प्रजा के बीच में घूमना, रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना और उनके दुख दर्दों को सुनना, जरूरत पड़े तो तत्काल समाधान करना, अगर वो समाधान संभव नहीं है तो राजा के दरबार तक वो जानकारी पहुंचाना, फिर मंत्रिमंडल की बैठक बुलाना और उसमें फैसले करना, ऐसे कई फैसले उन्होंने अपने जीवन के पूर्वार्ध में लिए हैं। उन फैसलों ने श्री राम को बहुत ज्यादा लोगों में लोकप्रिय बनाया है। लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, लोग उनको बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। इसके विपरीत श्री दशरथ ने केकई के कहने पर गद्दी जिनको सौंपी, भरत के बारे में प्रजा के मन में कोई संपर्क नहीं है, कोई परिचय नहीं है और ना कोई प्रेम की अनुभूति है, ना कोई लागनी है। कारण क्या है? भरत का जीवन पूर्वार्ध का पूरा अपने नाना के घर में बीता है, ननिहाल में बीता है। इसलिए भरत का अयोध्या से, अयोध्या के नागरिकों से
उनके साथ कोई सीधा संपर्क नहीं है। भरत कभी कभी ननिहाल से आ जाते हैं, दो चार दिन रह के वापस ननिहाल में चले जाते हैं। केकई का बहुत जबरदस्त आग्रह है कि भरत का लालन पालन ननिहाल में ही हो। हम सब जानते हैं ये कहानी कि केकई ने एक समय दशरथ से ये वचन ले लिया कि जब राजगद्दी सौंपने की बात आएगी तो मेरा बेटा ही राजा बनेगा। और भरत ने श्री दशरथ ने किसी भावावेश में किसी क्षण आकर केकई को बोल दिया कि हाँ ये ठीक है। आप जानते हैं केकई राजा दशरथ की तीसरी पत्नी है, तो और राजा दशरथ का थोड़ा अनुराग उनके प्रति ज्यादा है, ये स्वयं दशरथ बार बार स्वीकार करते हैं। कौशल्या और सुमित्रा की तुलना में केकई के प्रति दशरथ के मन में बहुत अनुराग है। शायद उसी अनुराग का फायदा उठाकर केकई श्री दशरथ से वचन ले लेती है कि जब भी समय आएगा मेरा पुत्र ही राजगद्दी का मालिक होगा। और दशरथ किसी भावावेश में आकर यह वचन दे देते हैं। अब यह वचन देने की कहानी अलग अलग रामायणों में अलग अलग है। जैसे हम रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण की बात करें तो किसी युद्ध की चर्चा आती है कि कोई युद्ध में दशरथ गए हैं, दशरथ के साथ केकई भी गई है, उस युद्ध में दशरथ की जान केकई ने बचाई है और उस जान को बचाने के संदर्भ में दशरथ ने उनको वचन दे दिया है और उस वचन के बदले में केकई ने राजगद्दी भरत के लिए मांग ली है। ये एक है। दक्षिण की जो राम कथाएं हैं उनमें कुछ दूसरी बात है। उनमें ये बात है कि दशरथ बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले व्यक्ति हैं। बहुपत्नी माने आप समझते हैं एक से अधिक पत्नियां रखना। दक्षिण की रामायण में कंभ रामायण जिसकी हम बात करते हैं उसमें और कन्नड़ की तेलुगु की जो राम कथाएं हैं उनमें जो दूसरी कहानी है वो ये कि दशरथ बहुपत्नी प्रथा के समर्थक है, माने एक से अधिक पत्नियां रखना उसके समर्थक है। कहीं पर राम कथाओं में यह भी एक कहानी आती है कि चूंकि दशरथ को पहली पत्नी से कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई जल्दी, तो दूसरा विवाह किया और फिर तीसरा विवाह किया संतान प्राप्ति के लिए, एक दूसरी कहानी ये भी आती है। तो अलग अलग कहानियों के हिसाब से, लेकिन बात यह है कि दशरथ ने केकई को वरदान माने वचन दे दिया है और उस वचन की पूर्ति करने के लिए भगवान राम को वन गमन है और भरत को राजगद्दी है। भरत जिसको प्रजा नहीं चाहती वो राजा बन रहे हैं और राम जिनको प्रजा प्रेम करती है अपने सामने देखना चाहती है, उनकी बुद्धि की कायल है, उनके फैसलों के बारे में चर्चा करती है, वो राम राजमहल छोड़कर वन गमन कर रहे हैं। तो राम चाहते हैं, चाहते तो प्रजा का सहयोग लेकर राजा बन सकते हैं। अगर आज की भाषा में मैं कहूं तो अपने पिता को गद्दी से उतार कर वो स्वयं राजा हो सकते हैं। आज की राजनीतिक व्यवस्था में ये बहुत स्वाभाविक है, लेकिन हम ये कहते हैं कि अरे वो जमाना तो त्रेता का है, उस समय शायद ये कल्पना नहीं है, तो शायद उस नैतिकता का कोई दबाव हो या उनके अपने संस्कार हो तो वो बहुत सहर्ष स्वीकार करते। लेकिन जो स्वीकारोक्ति है भगवान राम की उसका एक बहुत सुंदर उनका कथन है। आज के शब्दों में मैं कहूं तो स्टेटमेंट है, कथन है उनका। वो कथन दिखाता है कि उनकी दूरदर्शिता कितनी आगे है और वो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बनाती है। मैंने अलग अलग रामचरित मानसों को या रामायण राम कथाओं को जब पढ़ा तो भगवान राम के जो स्टेटमेंट है वो कोट किए हैं आपको वैसे के वैसे ही सुनाने के लिए। फिर उनका विश्लेषण करेंगे तो हमें बहुत कुछ इसमें से समझ में आएगा। राम जब वन गमन कर रहे हैं तो उस समय उनको बहुत सारे समझाने वाले उनके सहयोगी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य उनको कह रहे हैं कि आप क्यों वन जा रहे हैं, प्रजा आपके साथ है, पूरा मंत्रिमंडल आपके साथ है,
आप कहें तो हम कल आपको राजा बना दें, और आपके पिता भी मना नहीं करेंगे, वो दिल से तो यही चाहते हैं कि आप ही राजा बने, लेकिन केकई को वचन दे दिया है, उस वचन की पूर्ति करनी है। और रघुकुल की एक परंपरा है, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो उस परंपरा से बंधे हुए हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए, हम उनको मना लेंगे और इस वचन भंग होने के लिए प्रायश्चित भी करवा लेंगे, लेकिन आप एक बार हाँ तो करिए कि वन नहीं जाऊंगा और गद्दी संभालूंगा। तो राम जो उत्तर दे रहे हैं कंब रामायण में, बहुत ही सुंदर ये स्टेटमेंट है, तमिल में है, तमिल में आपको सुनाऊंगा, समझ में नहीं आएगा तो सीधे हिंदी में बताता हूं। वो अपने सब दरबारियों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि आपने मेरे साथ बहुत सहयोग किया, मैं आपका आभारी हूं, इतने दिन मैंने प्रजा के बीच में रह के कुछ काम किया, मैं आपका बहुत आभारी हूं, अब पिता की आज्ञा है तो वन जाना है। तो वो कहते हैं कि सच में आप पिता की आज्ञा के लिए वन जाना चाहते हैं? तो राम कहते हैं हाँ, थोड़ा तो वो है लेकिन बड़ा कुछ और भी है। तो वो बड़ा क्या है, वो कह रहे हैं तमिल में, हिंदी में उसका सीधा सा मतलब है, वो कहते हैं कि देखो, दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ना और उन दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना, ये दुनिया का सबसे बड़ा न्याय है। दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ना और उन अधिकारों की रक्षा करना, ये दुनिया का सबसे बड़ा न्याय है, और मैं चाहता हूं कि अपने जीवन में कुछ न्याय कर सकूं। ईश्वर ने शायद मुझे ऐसा समय दिया है कि मैं अपने दृष्टि से जिसको न्याय मानता हूं उसको स्थापित करके दिखाऊं। आगे वो कहते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ना और उनकी रक्षा करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना, यह दुनिया का सबसे खराब स्वार्थ है। अपने अधिकारों के लिए लड़ना और सतत उनकी रक्षा करने के लिए प्रयत्नशील रहना, यह सबसे खराब स्वार्थ है। तो मैं स्वार्थी होके जीवित नहीं रहना चाहता, मैं चाहता हूं कि मुझे लोग न्याय के पक्ष में खड़ा हुआ देखें, न्याय के लिए संघर्ष करता हुआ देखें और न्याय के लिए लड़ता हुआ देखें। तो उनके महामात्य उनको पूछ रहे हैं, महामात्य माने जिसको आजकल आप प्रधानमंत्री कह सकते हैं, उनको पूछ रहे हैं कि आप वन गमन करेंगे तो ये कैसे होने वाला है कि आप न्याय के लिए लड़ेंगे, और यहां राजगद्दी पर बैठेंगे तो ये क्यों नहीं होने वाला है कि आप न्याय करेंगे? ऐसे कैसे होने वाला है कि आप वन में जाएंगे तभी न्याय के लिए? तब राम कह रहे हैं कि देखो, हमारे जो वन है इनकी हालत बड़ी खराब है। कहानी सुना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनकी हालत बहुत खराब है। क्या है, इन वनों में बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए आते हैं, लेकिन राक्षस जाति के कुछ लोग उनको विघ्न डालते हैं, वो उनकी तपस्या पूरी नहीं होने देते। बहुत सारे ऋषि मुनि यज्ञ करना चाहते हैं, राक्षस उनको यज्ञ नहीं करने देते, उनके यज्ञ में विघ्न डालते हैं, उनकी तपस्या में विघ्न डालते हैं। तो मैं जब वन गमन करूंगा तो निश्चित रूप से मेरा आमना सामना इन राक्षसों से होगा, और अगर मेरे हाथों कुछ राक्षसों का अंत होगा तो ऋषि मुनियों के अधिकारों की रक्षा होगी, जो अधिकार उनका यज्ञ करने का और तपस्या करने का है, और तब मैं उन अधिकारों के लिए संघर्ष करता हुआ एक व्यक्ति बनूंगा तो आदर्श की स्थापना कर सकूंगा। तो उनका महामात्य कहता है कि आप अगर यहां गद्दी पर बैठते हैं, शासन चलाते हैं, तो भी तो यह संभव है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये यहां गद्दी पर बैठकर शासन चलाने से संभव होता तो मेरे पिताश्री ने इन सब राक्षसों का संहार कर दिया होता। मेरे पिताश्री इतने वर्षों से राजा हैं, और छोटे मोटे राजा नहीं, चक्रवर्ती राजा हैं। तो मेरे पिताश्री इतने वर्षों से हैं, फिर भी राक्षस इन ऋषि मुनियों को परेशान कर रहे हैं।
और ये बात बहुत अच्छे से समझ में तब आती है जब विश्वामित्र, जो उस जमाने के बहुत महान ऋषियों में एक हैं, वो आते हैं दशरथ के पास राम को मांगने के लिए कि भाई अपना पुत्र दे दो, जरा मुझे अपना यज्ञ संपन्न कराना है और राक्षस जो विघ्न डाल रहे हैं उनका अंत करवाना है। तो राम कह रहे हैं कि अगर मेरे पिता में ऐसा तेजस्विता होती तो इन राक्षसों को तो अब तक समाप्त कर दिया होता। पिता कभी जाते नहीं गद्दी छोड़कर, वो राजमहल में ही रहते हैं और राक्षसों को मालूम है कि इनकी शक्ति राजमहल तक ही सीमित है, इसलिए वो जंगल में जो मन में आता है वैसा दुर्व्यवहार ऋषियों के साथ करते हैं। तो वो अपने मंत्रिमंडल को संतुष्ट करते हैं कि देखो मैं जब वन पहुंचूंगा तभी यह संभव है, यहाँ राजमहल में रहकर संभव नहीं है। तो एक दिन महामात्य फिर, माने एक क्षण के बाद फिर महामात्य कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी सेना को आदेश करें, आपकी सेना माने अयोध्या की सेना, आप आदेश करें, ये जंगल में जाएगी और सब राक्षसों का काम तमाम कर डालेगी। तब रामचंद्र जी का दूसरा स्टेटमेंट आप सुनिए और वो उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम होने की छवि को और ऊंचा बनाता है। वो क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात वो कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखो यह महल में रहते हुए मैं शासन करूंगा तो वो शासन सुख और सुविधाओं से पूरा भरा होगा, सुख और सुविधाओं से पूरा भरा होगा। और जब राजा सुख और सुविधाओं में डूबा हुआ हो तो प्रजा के कष्ट का अनुभव नहीं कर सकता। राजा जब सुख और सुविधा में डूबा हुआ हो तो प्रजा के कष्ट का अनुभव नहीं कर सकता। जब राजा उन्हीं कष्टों में डूबता है जिनमें प्रजा डूबी हुई है तब उसको अंदाजा लगता है कि दुख कितना बड़ा है और समस्या कितनी गंभीर है। वो कह रहे हैं कि यहां मैं रहूंगा, राजगद्दी पर बैठूंगा, अच्छे पलंग पर सोऊंगा, दास दासियां मेरी सेवा में रहेंगे, तो ये सारा सुख सुविधा मुझे दुख का अनुभव नहीं होने देगा। मुझे अगर प्रजा के दुखों का अनुभव करना है तो उनके बीच में जाके उनके ही तरीके से रहना होगा, तब मुझे अंदाजा लगेगा कि मेरे राज्य की प्रजा कितने दुखों का सामना कर रही है। ये दूसरा स्टेटमेंट है जो उनके मर्यादा पुरुषोत्तम होने की छवि को और ऊंचा कर देता है। पहली बात कि दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ना और उसके लिए संघर्ष करना यही न्याय है, अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रयत्नशील होना दुनिया का सबसे खराब स्वार्थ है। और उसके बाद कि जब मैं वन में जाऊंगा तो प्रजा के कष्ट मेरे कष्ट होंगे, मुझे उसका अनुभव गहराई से होगा, तो समाधान करने के लिए भी मैं ज्यादा ताकत से प्रस्तुत हो पाऊंगा। इसके बाद किसी महामात्य की हिम्मत नहीं वो उनसे संवाद कर सके। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आपने तय कर लिया है, आप जा रहे हैं, आए कि आप अकेले जाएंगे या आपके साथ कोई और भी जाएगा। तो उनके जो छोटे भ्राता हैं लक्ष्मण, उनकी मां सुमित्रा ने लक्ष्मण को कहा है कि तुम्हें अपने भाई की परछाई के साथ चलना है, वो जहां जाएगा तुम्हें वहीं जाना है, ये मेरा आदेश है या मेरा आग्रह भी है। और लक्ष्मण के बारे में हम सब जानते हैं मात्र भक्ति उनमें बहुत अधिक है, पितृ भक्ति बिल्कुल नहीं है। रामचरितमानस में तो गोस्वामी तुलसीदास ने चूंकि भगवान को आराध्य माना है इसलिए नकारात्मक उनके बारे में कहना और लिखना उनके लिए असंभव है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में तो थोड़ी छूट है महर्षि वाल्मीकि को और कंभ रामायण में तो बहुत कुछ है। लक्ष्मण जी का एक स्टेटमेंट है कंभ रामायण में, वो अपने किसी मित्र को कह रहे हैं कि देखो भाई अगर कोई चरित्रहीन है तो वो भले ही मेरा पिता क्यों ना हो मैं उसका सम्मान नहीं कर सकता। तो
उनका कोई मित्र है जिससे ये संवाद हो रहा है, वो पूछ रहा है कि तुम कहना क्या चाहते हो, जरा स्पष्ट कहो कि अगर कोई चरित्रहीन है तो भले ही मेरा पिता क्यों ना हो, मैं उसका सम्मान नहीं कर सकता, मैं पद का सम्मान नहीं कर सकता, धन संपत्ति का सम्मान नहीं कर सकता, उसके ओहदे का सम्मान नहीं कर सकता, और अंत में कहते हैं मैं ज्ञान का भी सम्मान नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ चरित्र का ही सम्मान कर सकता हूं। तो अंत में वो ज्यादा स्पष्ट होते हुए कहते हैं कि मैं मेरे पिता का सम्मान नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने एक छोड़ तीन तीन पत्नियां रखी हैं। तो उनका दोस्त कह रहा है कि ये उनकी मजबूरी हो सकती है, तो वो कह रहा है कि हाँ मजबूरी ही अगर है तो वो बिना पुत्र के भी रह सकते हैं, क्या जरूरत थी तीसरी शादी करने की, क्या जरूरत थी दूसरी शादी करने की। तो उनका मित्र कह रहा है कि तुम आदर्श क्या मानते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं दशरथ की तुलना में राम को सम्मान करता हूं कि उनके सामने इतने सारे रास्ते खुले होने के बाद भी एक पत्नी व्रत स्वीकार किया है। और वो पुरानी कहानी सुनाते, वो कहते हैं देखो हमारा जो रघुकुल है वो इस बात के लिए बदनाम है कि हमारे सभी पुरुषों ने एक से ज्यादा पत्नियां रखी, और ये बात बिल्कुल सच है। दशरथ और दशरथ के पहले के जितने भी पुरखे हैं सबके पास एक से ज्यादा पत्नियां हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस वंश में बहुपत्नी प्रथा हो उस वंश में एक पैदा हुआ है राम, जो एक पत्नी व्रत लेकर जीवन निभाने का संकल्प ले चुका है, जिसके सामने सभी रास्ते खुले हैं, हर एक राजा अपनी पुत्री का विवाह राम से करना चाहता है, लेकिन राम ने सिर्फ सीता का वरण किया है और एक ऐसी पत्नी का वरण किया है जिसके कुल का नहीं मालूम, जिसकी जाति का नहीं मालूम। जनक को सीता खेत में मिली है, मिट्टी के खेत में मिली है, जिसका कुल पता नहीं, जिसकी जाति पता नहीं, जिसका वंश पता नहीं, ऐसी महिला को जिसने पत्नी बना लिया और उसी दिन संकल्प ले लिया कि आजीवन एक पत्नी व्रत ही धारण करूंगा, तो वो कह रहा है कि मैं तो राम का सम्मान कर सकता हूं, दशरथ का नहीं कर सकता। ये लक्ष्मण है, पितृ भक्ति नहीं है, पिता के प्रति सम्मान भी नहीं है, मात्र भक्ति उनमें है। सुमित्रा की बात वो सुनते हैं, मानते भी हैं। तो जब सुमित्रा उनको कहती है कि देखो राम जा रहे हैं वन के लिए तो तुम्हें उनकी परछाई के साथ चलना है, तो लक्ष्मण कहते हैं जैसी आपकी आज्ञा, मैं इस पर बहस नहीं कर सकता, विवाद भी नहीं कर सकता। राम लक्ष्मण को बहुत समझाते हैं कि लक्ष्मण बहुत कष्ट आएंगे, जीवन बहुत तकलीफ का होने वाला है, ये जो सुख सुविधाएं हमारे पास हैं ये तुम क्यों मेरे साथ जाना चाहते हो। तो लक्ष्मण कह रहा है कि आप अगर न्याय के पक्ष में खड़े होना चाहते हैं तो मुझे क्यों रोक रहे हैं, मैं भी चाहता हूं कि न्याय के पक्ष में खड़ा रहूं। बाद में राम हारते हैं, संवाद में लक्ष्मण जीतते हैं और लक्ष्मण कहते हैं मैं भी जाऊंगा, और अंत में सीता का आता है। सीता भी कहती है कि मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं, छोड़कर आपको रह नहीं सकती, वन गमन तो मुझे करना ही है। इन परिस्थितियों में वन गमन होता है। जो महत्व की बात मुझे रेखांकित करनी है वो ये कि राम जब वन गमन कर रहे हैं तो पूरी अयोध्या उनको विदा कर रही है और अयोध्या वासी साथ साथ उनके चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे, पूरी सेना उनके साथ चल रही है, मंत्रिमंडल उनके साथ चल रहा है। थोड़ी देर तो राम ने उनको सबको चलने दिया, फिर जैसे ही अयोध्या की इसके आगे आपका अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाता है, अब आपका राज्य नहीं है, अब तो राक्षसों का राज्य है, इसमें आपका प्रवेश नहीं होगा। तो राम ने सारी सेना को वापस किया है, सारे मंत्रियों को वापस किया है, सारे सहयोगियों को वापस किया है, और सीता और लक्ष्मण
वही तीन वन के लिए प्रस्थान करते हैं। यहां जो समझने की बात है वो ये कि अगर वो चाहते तो पूरा लश्कर लेकर जाते, पूरी सेना लेकर जाते, पूरे सहयोगियों को लेकर जाते और सब कुछ सुख सुविधाएं साथ में चल सकते थे। रथों में उनके लिए बहुत भोजन चल सकता था, भोजन बनाने वाले रसोइये चल सकते थे, दास दासियां चल सकते थे, धन संपत्ति रखी जा सकती थी, पूरी सेना की सेना उनके साथ जा सकती थी, लेकिन सबको वापस किया है। धन संपत्ति नहीं चाहिए, दास दासियां नहीं चाहिए, सेना भी नहीं चाहिए, वन गमन कर रहे हैं तो जो कुछ वन में मिलेगा वही खाएंगे, जैसा रहने को मिलेगा वैसे ही रहेंगे, जो परिस्थितियां होंगी उन्हीं के बीच में से रास्ता बनाएंगे। तब समझ में आता है कि उनके मन में कोई बहुत बड़ा संकल्प है और वो संकल्प उनके कथन से सिद्ध होता है कि प्रजा के दुखों का सही ज्ञान तभी होता है जब आप प्रजा के जैसा जीवन जिए। तो वो प्रजा के दुखों का ज्ञान करना चाहते हैं, शायद उनके मन में कोई आदर्श राज्य स्थापित करने की कल्पना है जिसमें प्रजा के दुख समाप्त हो सके और कोई ऐसा राज्य बन सके जहां की प्रजा को कोई दुख ही ना हो। तो वो सबको वापस करते हैं, विदा करते हैं और अकेले वन गमन उनका होता है, अकेले से मतलब लक्ष्मण जी और उनकी धर्मपत्नी सीता के साथ। वन गमन में जो जो घटनाएं घटित हुई है वो आपने सबने बार बार पढ़ी होगी, सुनी होगी। उन घटनाओं के बीच में जो अंतर्निहित दृष्टि है वो मैं आपसे रखना चाहता हूं। जितना उनका वनवास का समय है लगभग 14 साल का, उसमें से शुरू के जो 12 वर्ष हैं, इन 12 वर्षों में उनकी कई राक्षसों के साथ मुठभेड़ होती है और हम जानते हैं कि उनका जो वन गमन है उसमें एक कारण तो केकई का वचन वरदान के रूप में राजा से लेना, दशरथ से लेना, और दूसरा विश्वामित्र का दशरथ के पास आकर राम को मांगना कि मुझे मेरे यज्ञ की पूर्ति करने के लिए राम का संरक्षण चाहिए। ये दोनों बने हैं निमित्त। राम जी बाद में कहते हैं कि देखो घटनाएं तो निश्चित होती हैं, कोई उनका निमित्त बन जाया करता है। इसका माने राम के जीवन की ये घटनाएं निश्चित है ये वो जानते हैं, शायद विश्वामित्र भी जानते हैं, लेकिन कुछ निमित्त बन गया है तो केकई एक निमित्त हो सकती है और विश्वामित्र का यज्ञ एक निमित्त हो सकता है। तो पहला उनका जो प्रवेश है वन गमन के बाद वो विश्वामित्र का आश्रम। विश्वामित्र उस जमाने के महान ऋषियों में एक है, उस जमाने के दो महान ऋषि हैं जिनकी चर्चा हम सुनते हैं, एक तो वशिष्ठ हैं, दूसरे विश्वामित्र हैं। वशिष्ठ जो है भगवान राम के पिता श्री दशरथ के मुख्य सलाहकार हैं, माने राज दरबार के मुख्य सलाहकार हैं। दशरथ को हर गंभीर विषय पर सलाह देना, हर गंभीर विषय पर दशरथ जिनके साथ मंत्रणा करते हैं, क्या करना क्या नहीं करना, क्या श्रेय है क्या प्रेय है, क्या अभीष्ट है क्या अभीष्ट नहीं है, जिसका हमेशा दशरथ ज्ञान लेते हैं, ऐसे हैं श्री वशिष्ठ, माने भगवान राम के कुल गुरु कहिए, भगवान राम के आदि गुरु कहिए, भगवान राम के संस्कार गुरु कहिए, जो कहना हो हम उन्हें कह सकते हैं। लेकिन वन गमन के बाद जो गुरु हैं वो विश्वामित्र हैं। तो विश्वामित्र जब उनको लेके अपने आश्रम में आते हैं तो आश्रम में प्रवेश होते ही सामना हो जाता है कुछ राक्षसों की टोली से, जिनका राम बहुत आसानी से संहार करते हैं लक्ष्मण की मदद से। तो विश्वामित्र मान लेते हैं कि ये कर पाएगा जैसा मैं सोचकर इसको लाया। राम को विश्वामित्र कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हें तुम्हारे पिता से मांग लिया, तुमको खराब तो नहीं लगा? तो राम कहते हैं आप तो निमित्त हैं, होना तो यही है, मेरा तो जन्म ही इसके लिए, आप तो निमित्त हैं। और निमित्त के प्रति राग द्वेष रखना, क्रोध और प्रेम करना, ये तो कोई ठीक बात नहीं है, इसलिए मेरे मन में आपके प्रति कुछ नहीं है। मुझे तो आप इतना बता दीजिए कि इस जंगल में जहां आप यज्ञ कर रहे हैं कितने राक्षस हैं, कितनी टोलियां हैं,
उनकी शक्ति कितनी है, ताकि मैं मेरा काम अभी से शुरू करूं। तो विश्वामित्र कहते हैं इतने राक्षस हैं, इतनी टोलियां हैं, उनकी शक्ति इतनी है। तो राम उनको पूरा हिसाब जोड़ के बता देते हैं कि इतने समय में मैं इनका संहार कर दूंगा, और जितना समय वो बताते हैं उतने समय में उनका संहार होता है। अब संहार होने के बाद जो महत्व की बात है वो समझने की, जंगल जिसमें वो है, जहां विश्वामित्र का आश्रम है, वो जंगल छोटे छोटे खंड में बटा हुआ है, छोटे छोटे खंड में, जैसे एक राज्य छोटे छोटे जिलों में बटा होता है, ऐसे एक बड़ा जंगल छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ है। इन सभी खंडों के अपने अपने राजा हैं और उनकी अपनी अपनी सेना है। सभी खंडों अलग अलग खंडों के नाम हैं, तो सभी खंडों के अपने अपने राजा हैं, उनकी अपनी अपनी सेना है, लेकिन किसी भी राजा की हिम्मत नहीं है राक्षसों से लड़ने की। तो राक्षसों ने क्या किया है, सभी राजाओं के खंडों पर कब्जा कर रखा है, प्रजा को लूटना, उनसे लूट मार करके धन इकट्ठा करना, और अपने यहां इकट्ठा करके उसका कुछ अंश ऊपर भेजना जो राक्षसों का कोई और बड़ा सरदार हो, और बाकी अपने लिए रखना, इस तरह की व्यवस्था है। और राजा हर जगह सिकुड़े, संकुचित, सीमित, कमजोर, डरे हुए, भागे हुए ऐसे दिखाई देते हैं। चाहे आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, चाहे तुलसी कृत और चाहे दक्षिण की, सब जगह ये एक ही वर्णन है कि जंगल के खंड के अलग अलग राजा हैं, सब डरे हुए हैं, सब सहमे हुए हैं, राक्षसों के सामने किसी की हिम्मत नहीं है। तो राम क्या करते हैं, राम लक्ष्मण का संवाद है। लक्ष्मण राम को पूछते हैं कि भाई आपने तो कर दिया संहार शुरू, और हम चाहेंगे तो थोड़े दिन में ये जंगल राक्षसों से विहीन हो जाएगा, आगे क्या ऐसा हम गारंटी दे सकते हैं कि दूसरे राक्षस नहीं आए और इनको फिर परेशान न करें। तो राम कहते हैं गारंटी तो कुछ नहीं, हम अभी संहार करके जाएंगे फिर दोबारा आ जाएंगे। तो लक्ष्मण उनको कहते हैं कि कुछ ऐसी व्यवस्था करो जो परमानेंट हो, हमेशा के लिए कुछ चले, ऐसा कुछ तंत्र बनाओ। तब राम कहते हैं लक्ष्मण इसके लिए रास्ता बहुत टेढ़ा, रास्ता बहुत टेढ़ा है। तो लक्ष्मण पूछते हैं क्यों, तो लड़का कि ये राजा जिनका ये राज्य है वो डरे हुए सिमटे हुए अपने अपने घरों में बंद हैं, राक्षसों से लड़ने की किसी की हिम्मत नहीं है। अब मैं अगर इनका संहार करूं और यही राजा दोबारा राज्य इस पर स्थापित करें, फिर राक्षस आएंगे, फिर इनको किनारे कर देंगे और ये सिलसिला अनंत काल तक चलेगा। तो राम कहते हैं कि लक्ष्मण इन सभी राजाओं को बदलना पड़ेगा, ये काम के नहीं है, ना प्रजा के ना समाज के, इनको बदलना पड़ेगा। तो लक्ष्मण पूछते हैं कि फिर राजा कौन बनेगा, आप बनेंगे क्या या मैं बनूंगा। तो कहते नहीं, हमारी ये परंपरा नहीं। फिर तीसरा स्टेटमेंट वो कर रहे हैं, वो और भी महत्व का है। वो कहते नहीं, ये हमारी परंपरा नहीं है। तो लक्ष्मण पूछ रहा है हमारी परंपरा क्या है, फिर भारत की परंपरा क्या है, हमारा दर्शन क्या है। तो राम कहते हैं कि किसी राजा की मदद कर दी तो इसका मतलब ये नहीं कि उस राजा को हमने जीत लिया। मान लीजिए उस राजा को हमने इतना मदद कर दिया कि वो अपने राज्य की सुरक्षा करने में हमारी मदद के बाद अधिकृत हो गया है, तो भी हमारा कोई अधिकार उस राज्य पर नहीं है। हमारी भूमिका ये है कि ये डरे हुए, संकुचित, सीमित, अपने अपने घरों में दुबके हुए जो कमजोर राजा हैं, इनको या तो शक्ति दे दो, नहीं तो इनके स्थान पर शक्तिशालियों को राजा बना दो। तो लक्ष्मण कहते हैं ये दूसरा हिस्सा ज्यादा आकर्षक है। तो राम कहते हैं एक बड़ी बात कि गणतंत्र में ऐसा ही होता है, गणतंत्र में ऐसा ही होता है। तो प्रजा के बीच में से राजा चुना जाता है, तो ठीक है हम प्रजा के बीच में से राजा चुने, तो इसकी व्यवस्था क्या हो। तो राम कहते हैं कि देखो एक शिविर की व्यवस्था करो, परमानेंट स्थाई
शिविर की व्यवस्था करो, मैं और तुम दोनों मिलकर यहाँ के जो नागरिक हैं इनको प्रशिक्षण देंगे, सैन्य प्रशिक्षण देंगे, अपनी सुरक्षा कैसे की जाती है इसका प्रशिक्षण देंगे, बाहर के हमलों से बचा कैसे जाता है इसका प्रशिक्षण देंगे, और इस प्रशिक्षण को लेने में जो सबसे ज्यादा कुशाग्र होगा, बुद्धिशाली होगा, बलशाली होगा, हम उसी को मान लेंगे कि ये आने वाले राज्य में राजा बने। तो ठीक है, तो उनके एक शिविर की व्यवस्था होती है जिसको हम छावनी कह सकते हैं, अंग्रेजी में कैंप कह सकते हैं, और उस कैंप में राम और लक्ष्मण दोनों मिलकर युद्ध की, अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या देना शुरू करते हैं। तो जिनको विद्याएं दी जा रही है वो अलग अलग जनजातियों के लोग हैं, जैसे भील है, जैसे कोल है, ऐसी अलग अलग जातियां हैं, और इन जातियों का वर्णन तमिल की कंबन रामायण में बहुत है, 4,556 जातियां उसमें गिनाई गई है। राम जिनको ट्रेनिंग दे रहे उन जनजातियों के लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग दिया, और ट्रेनिंग के दौरान, शिविर के दौरान, प्रशिक्षण के दौरान जो जो उनको लगता है कि ये सक्षम है उसको वो कहते हैं कि चलो हमारे साथ युद्ध में शामिल हो और हम इस राक्षस का संहार करने जा रहे हैं, आप भी चलो। तो जो समर्थ है उनको साथ लेके जाते हैं और उन राक्षसों के संहार में उनकी शक्ति का अंदाजा लगाते हैं। जो राम को समझ में आ जाता है कि ये ठीक है, लौटने के बाद उसका राज तिलक करते हैं और राजा घोषित करते हैं, और जो राजा था झूठ मूठ का उसको कहते हैं कि तुम्हारी योग्यता नहीं है इसलिए तुम या तो पद छोड़ो नहीं तो ये राजा तुमसे पद छोड़वा लेगा। तो इस तरह की एक व्यवस्था करते हैं। जो समझने की बात है वो ये कि जहां के लोग हैं उन्हीं को आगे बढ़ाना है, कोई भाई भतीजा बात नहीं फैलाना है। अगर राम चाहे तो हर राज्य पर अयोध्या का मोहर लगा के, सिक्का लगा के उसको अधीन कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से वो राज्य जीत कर ही उनको दे रहे हैं राक्षसों से, लेकिन अयोध्या की मोहर नहीं लगानी है, अयोध्या का सिक्का भी नहीं लगाना है। जिन जनजातियों का राज्य है उन्हीं को वापस लौटा है, ये उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाली तीसरी सबसे बड़ी बात। वो चाहें तो खुद राजा बन के बैठ सकते हैं, उनकी ताकत है, हैसियत है, और जनता भी उन्हें पसंद करेगी, मना नहीं करेगी, लेकिन राज्य को जीत कर स्थानीय लोगों को ही राज्य संचालक के लिए देना है और उससे किसी को राजा बनाना है। ये कहानियां अलग अलग नामों से आप सुनते हैं, जैसे एक नाम है बाली का राज्य है, बाली रावण का मित्र है, हम सब जानते हैं रावण बाली का मित्र है, लंका से बाली के सीधे संबंध है, तो बाली के राज्य में रावण के दूत विचरण करते हैं और जो कुछ रावण अपनी लंका में करवाता है वो बाली के राज्य में होता है। बाली का एक भाई है सुग्रीव जो इन सबको पसंद नहीं करता, वो मानता है कि रावण अच्छा नहीं है, रावण की नीतियां भी अच्छी नहीं है, और रावण का जो विस्तारवाद है वो तो और भी खराब है, कोलोनियलिज्म जिसको हम कह सकते हैं। तो वो कहता है कि ये तो मेरे पसंद नहीं आने वाली बात है, लेकिन तकलीफ क्या है, सुग्रीव बहुत कमजोर है और बाली बहुत बलवान, सुग्रीव अगर बाली से युद्ध करे और राज्य हासिल करने की कोशिश करे तो बाली उसका कछूमर निकाल दे, ताकत बाली की बहुत है, सुग्रीव की बहुत कम है। तो सुग्रीव मन मन में तो सोचता है कि बाली गलत है, अधर्म के साथ है, अन्याय के साथ है, रावण का समर्थन करता है, तो लेकिन सुग्रीव कुछ कर नहीं पाते। जब सुग्रीव को पता चलता है कि ऐसे कोई दो राजकुमार आए हैं अयोध्या से जो अन्यायियों का, अत्याचारियों का, कुरीति फैलाने वालों का नाश कर रहे हैं, तब सुग्रीव के मन में आशा बनती है कि जरूर ये मेरी भी मदद करेंगे। सुग्रीव के मित्र है हनुमान, वो कहता है मैंने सुना है ऐसे दो राजकुमार आए हैं, अयोध्या से आए हैं, वो राक्षसों का संहार कर रहे हैं, तो क्या मेरा जो भाई राक्षस जैसा है इसका भी संहार करेंगे? तो हनुमान कहते हैं पता नहीं है, चल के मिल लो, बात कर लो। तब हनुमान और सुग्रीव दोनों जाते हैं राम के पास
और राम और सुग्रीव का लंबा संवाद और राम और हनुमान का लंबा संवाद। और इस लंबे संवाद के बाद सुग्रीव और हनुमान दोनों आश्वस्त होते हैं कि ये दोनों खरे आदमी हैं, इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, इनका अपना कोई लालच नहीं है, ये तो सच में जिनको मदद चाहिए उनकी मदद करने के लिए आए हैं। तब सुग्रीव अपनी कहानी सुनाता है कि मेरा एक भाई है बाली, बहुत आताताई है, अत्याचारी है, रावण के साथ में है, कुरीतियों का पालन करता है, अनीतियों को फैलाता रहता है, अत्याचार अन्याय प्रजा पर बढ़ाता रहता है, जबरदस्ती टैक्स वसूलता है, सब लोग उससे परेशान है, पूरे राज्य में व्यभिचार फैला रखा है, वैश्यावृत्ति और मदिरा गांव गांव मिल रही है, इतनी सब वर्णन वो करते हैं सुग्रीव। तो राम पूछते हैं तुम्हारी इच्छा क्या है, तो कहते हैं कि आप सारे जंगल के राक्षसों का संहार करने निकले हैं, एक इसका भी करो। तो सुग्रीव को वचन दे दिया उन्हें कि ठीक है, अगर ये बात सत्य है कि तुम्हारा भाई ऐसा है तो ये तय मानो कि उसका संहार मेरे ही हाथों होगा, लेकिन संहार मैं करूंगा तो सही, तुम्हें अपनी तैयारी अभी से करनी है कि उसका संहार होने के बाद तुम जब राजा बनोगे तो तुम कैसे चलाओगे राज्य। तो सुग्रीव के मन में ये कल्पना नहीं है कि राम ऐसा पूछेंगे, वो तो ये सोच के आया है कि ये अगर बाली का संहार करेंगे तो राम राजा बनेंगे, मैं उनका प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। उसके मन में यह कल्पना नहीं है कि राम ही कहेंगे कि राजा भी तुम्हें बनना है, प्रधानमंत्री तुम्हें बनना। तो सुग्रीव थोड़ा सकपका जाता है, फिर कहता मैं हनुमान से जरा विचार विमर्श कर लूं। तो हनुमान कहते हैं कि देखो ये जो दोनों राजकुमार हैं, इनकी आंखों में सच्चाई है, इनके वचन में सच्चाई है, इनके कथन में सच्चाई है, और ये जिस गुरु के शिष्य हैं उनको सब जानते हैं, विश्वामित्र, वो विश्वामित्र का कोई शिष्य झूठ नहीं बोलता, ऐसी मान्यता है, तो मान लो कि ये सच कह रहे हैं, राज्य तुम्हीं को मिलेगा, लेकिन ये तुमसे गारंटी चाहते हैं कि तुम भी वैसा ही तो नहीं करोगे जैसा माली करता है। तब सुग्रीव कहता है कि मैं आपको वायदा करता हूं कि मैं ये नहीं करने वाला। तो राम कहते हैं कि ठीक है, तुम अब तैयारी करो, तुम्हारी अपनी क्षमता बढ़ाओ, तुम्हारे सैनिकों को तैयार करो। तो सुग्रीव कहता है मैंने कभी युद्ध नहीं लड़ा, मुझे अस्त्र शस्त्र चलाना नहीं आता, मेरे पास कोई सैनिक नहीं है। तो उनका ठीक है, तुम्हारी प्रजा में जो लोग तुम्हारे समर्थक हैं उनको मेरे शिविर में लेके आओ। तब सुग्रीव और हनुमान एक अभियान चलाते हैं और किष्किंधा राज्य जो बाली का राज्य है वहां के समर्थकों को ला लाके श्री राम के शिविर में दाखिल करते हैं और श्री राम उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। अच्छी ट्रेनिंग हो जाने के बाद जब सेना तैयार होती है तो राम कहते हैं कि अब युद्ध का समय है और सुग्रीव को तैयार करते हैं कि युद्ध तो तुमको करना है, मैं तो तुम्हारे सहयोग में हूं। तो सुग्रीव कहता है भगवान वो तो मार डालेगा मुझे, उसकी ताकत इतनी है, 5 मिनट में मैं नहीं ठहर पाऊंगा। तो राम कहते हैं कि मैं तुम्हें वायदा करता हूं कि मरने नहीं दूंगा, लेकिन युद्ध तो तुम्हें ही करना है। फिर वो कहता है क्यों, तो राम कहते हैं जो बहुत गंभीर बात, वो कहते हैं देखो समस्या तुम्हारी है, संघर्ष भी तुम्हें ही करना पड़ेगा, मैं तो सहयोगी की भूमिका में हूं। यही तो लाखों साल के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, समस्या तुम्हारी है, संघर्ष भी तुमको करना है, मैं तो सहयोगी की भूमिका में। महाभारत में भी यही है, क्योंकि अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं है, कमजोर पड़ रहा है, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं समस्या तुम्हारी है, संघर्ष भी तुम्हें ही करना है, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं। राम इसी बात को लाखों साल पहले कह रहे हैं सुग्रीव से, समस्या तुम्हारी है, संघर्ष भी तुम्हें करना है, मतलब शायद ये भारत और भारतीयता का कोई बड़ा दर्शन रहा होगा कि जिसकी समस्या है संघर्ष उसी को करना चाहिए, और उसी दर्शन को राम प्रतिपादित कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि समस्या आपकी हो संघर्ष कोई और करे, राजीव भाई आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, ये नहीं होता है। समस्या आपकी है तो आपको संघर्ष करना है, मेरी है तो मुझे संघर्ष करना है, ये तो राम जी बता रहे हैं हम लोग। तो सुग्रीव को तैयार किया, हिम्मत बधाई है, और सुग्रीव और बाली का युद्ध हुआ है।
आप जानते हैं बाली बहुत ताकतवर है, सुग्रीव कमजोर है, और बाली सुग्रीव को मार डाले, ऐसी स्थिति में जब आता है तो भगवान राम का एक बाण बाली को मार जाता है और उसके बाद बाली खत्म, और सुग्रीव को उसका राज्य राम दिलवाते हैं। तब सुग्रीव कहता है कि अब आपकी जिंदगी भर में सेवा करूंगा, आपकी जिंदगी भर सेवा। अब ये जो कहानी है इसके पहले की एक घटना घटित हो चुकी है, मैंने वो घटना जानबूझ के बाद में सुनाने का तय किया। भगवान राम का सुग्रीव और हनुमान से जो मिलन है इसके पहले सीता जी का अपहरण हो चुका है, इसके पहले सीता जी का अपहरण हो चुका है। मैंने वो जानबूझकर इसलिए नहीं सुनाया क्योंकि कोरिलेशन करना है मुझे, वो कोरिलेशन टूट जाए तो बात समझ में नहीं आती। सीता जी का अपहरण हो चुका है और श्री राम अब दो समस्याओं से जूझ रहे हैं, एक तो राक्षसों का संहार, दूसरा अपनी पत्नी की खोज। तो अपनी पत्नी की खोज में वो घूम रहे हैं और उस समय सुग्रीव और हनुमान उनको मिलते हैं, और तब जब सुग्रीव की समस्या का समाधान करने के बाद रामचंद्र जी को सुग्रीव कहता है कि आपकी जिंदगी भर सेवा करूंगा, तब राम उसको कहते हैं कि अब तुम मेरी एक मदद कर सको तो करो, मेरी पत्नी की खोज मुझे करनी है जिसका अपहरण कोई कर ले गया। तब तक उन्हें यही मालूम है कि अपहरण किसने किया, कोई कर ले गया है, पता लगाना है कि वो कौन है, किस दिशा से आया, कहां रखा है आदि आदि। तो सुग्रीव कहता है कि मैं आपको वचन देता हूं कि आपके इस अभियान में जब तक मेरे प्राण है तब तक मैं आपके साथ हूं। और सुग्रीव के इस वचन के साथ हनुमान भी बंध जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं अलग कैसे रह सकता हूं, मैं भी इस वचन में साथ हूं। तो श्री राम उनसे कहते हैं कि अब हमें दूसरा बड़ा अभियान चलाना है कि खोज करनी है। तो सुग्रीव कहता है कि मेरा अनुमान है कि सीता का अपहरण रावण ने ही किया होगा, मेरा अनुमान है। राम कहते हैं तुम कैसे कहते हो, तो सुग्रीव कहता है कि मैं रावण को जानता हूं। कैसे जानते हो, तब वो कहता है मेरे भाई बाली का दोस्त है और जितना कुकर्मी बाली उतना ही कुकर्मी वो है, उससे ज्यादा ही है, कम नहीं है। तो रावण कैसा है, पूरा डिस्क्रिप्शन राम को जो बताया है वो सुग्रीव ने बताया, वो ऐसा है, वो ये कुकर्म करता है, इतने अत्याचार करता है, इतने तरह से व्यभिचारनाएं हैं अपने समय की, और वो कहानी सुपर्णखा की है वो आप सब जानते हैं। तो सुग्रीव जो कह रहा है कि मेरा अनुमान अब पक्का हो गया है कि ये वही है, तो क्यों किया होगा, तो कहने लगा अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए हो सकता है, और वो सुंदर स्त्रियों के प्रति आसक्त तो बहुत रहता है रावण, ये भी कारण हो सकता है। तो राम कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर ये वही है तो पता करो कि इसका निवास कहां है, वन का इसका आवास कहां है, महल कहां है, राज्य का। उसने कहा वो मालूम है क्योंकि मेरा भाई बाली अक्सर जाता था और बाली के पास ये अक्सर आता था और इनका आना जाना मुझे बहुत नजदीक से पता है, मैं जानता हूं वो कहां रहता है, वो लंका नगरी है, समुद्र के किनारे है, ऐसा ऐसा पूरा वर्णन करता है। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि हमको हर हालत में वहां तक पहुंचना है। तो जंगल के सब राक्षसों का संहार करने के बाद, स्थानीय जनजातियों के राजाओं को राज्य सौंप देने के बाद, राम अपने अंतिम अभियान पर निकलते हैं जो उनके जीवन का सबसे बड़ा अभियान है, रावण का संहार। पहुंच जाते हैं। अब ये बाली का भाई सुग्रीव जो राजा बन गया किष्किंधा का, वो कहता है आप रावण से लड़ोगे कैसे, उसके पास तो बड़ी भारी सेना है। तो राम ने कहा कि फिर हमें भी सेना तैयार करनी है। तो सुग्रीव कहता मेरे पास तो नहीं है कोई सेना। क्यों, तो उसने कहा मेरे राज्य में तो सैनिक रहते ही नहीं है, बंदर भालू रीछ रहते हैं, अगर जरूरत पड़े तो ये आ सकते हैं, इनसे कैसे लड़ोगे। तो हनुमान को बुलाते हैं कि देखो तुम बता सकते हो इनकी शक्ति और ताकत। तो वो कहते हैं कि इनमें शक्ति ताकत तो नहीं है लेकिन भावना प्रबल है, अगर आप इनको हिम्मत दे दें तो ये रावण से लड़ सकते हैं। क्यों लड़ेंगे ये रावण से, लक्ष्मण कह रहे हैं। तो राम कहते हैं ये रावण से इसलिए लड़ेंगे क्योंकि रावण ने इनके खिलाफ भी बहुत अत्याचार किए, इन बानरों के खिलाफ बहुत अत्याचार किए। रावण की एक नीति है बाली के राज्य से बानरों को गिरफ्तार करना। बानर एक तरह की जाति है, बंदर का अर्थ नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, एक तरह की जनजाति है।
बंदर और बानर बिल्कुल अलग है। तो बानर जाति के लोगों को रावण पकड़ पकड़ के लेके जाता है और लंका में दास बना के रखता है और इनकी स्त्रियों को भी पकड़ के लेके जाता है, उनको वैश्या बना के छोड़ता है। तो वानर जाति के लोग रावण के बहुत खिलाफ है। तो राम को जब ये सुग्रीव बताते हैं कि देखो हमारे साथ वो ये बर्ताव करता है, तो लक्ष्मण और राम मिलके कहते हैं कि तो जरूर ये वानर रावण से लड़ेंगे, मुझे तुम उनके पास ले चलो। तो वानरों की सभा बुलाई जाती है किष्किंधा में। हनुमान जी जो वानरों के सबसे बड़े प्रतीक हैं, वो सबको इकट्ठा करते हैं और राम उनको सुनाते हैं कि देखो ऐसा ऐसा एक आतताई आदमी है, उसके खिलाफ संघर्ष करना है, उसने मेरी पत्नी का भी अपहरण किया है। तो वानर कहते हैं आपकी क्या, हमारी सबकी पत्नियों का अपहरण किया है उसने, लेकिन आप अगर तैयार हैं लड़ने को तो हम भी आपके साथ हैं, तो चलो। तो तैयारी होती है और राम श्री राम उन सीधे साधे वानरों में जो राक्षसों का भी प्रतिरोध नहीं कर पाते हैं, शक्ति भरने का काम करते हैं, अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाते हैं, अस्त्र शस्त्र से उनको सज्जित करते हैं। और अस्त्र शस्त्र से जब सज्जित उनको कर रहे हैं और अस्त्र शस्त्र चलाना सिखा रहे हैं, उसी दौर में सुग्रीव और राम का बार बार संवाद हुआ है। कंब रामायण में एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट है, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। सुग्रीव पूछ रहा है एक दिन राम से कि आपने मेरा राज्य वाली से जीत कर मुझे दिया, अब मेरे मन में तो वैराग्य पैदा हो रहा है, मैं क्या करूं, राज्य छोड़ के मैं जाना चाहूं। तो राम जो उसको उत्तर दे रहे हैं, देखो राज्य क्यों स्थापित किया जाता है, राज्य की स्थापना के पीछे कारण क्या होता है और उद्देश्य क्या होते हैं। तो कहते हैं अपनी प्रजा को आर्थिक लूट से बचाने के लिए राजनीतिक सत्ता स्थापित करनी पड़ती है। अपनी प्रजा को आर्थिक लूट से बचाने के लिए राज्य सत्ता स्थापित करनी पड़ती है और राज्य सत्ता की रक्षा करने के लिए सेना की जरूरत होती है और सेना की जरूरत पूरी करने के लिए धन संपत्ति चाहिए और धन संपत्ति चाहने के लिए उत्पादन और व्यापार की जरूरत होती है और इन सब का समूह जो हो जाता है उसी को राज्य शक्ति के रूप में माना जाता है। तो सुग्रीव कह रहे हैं कि देखो हमको सेना चाहिए इसके लिए, हमको राज्य की लूट बचत बंद करानी है इसके लिए राज्य सत्ता आसानी से हम पालन कर सकें। तो वो सुग्रीव से कहते हैं कि तुम्हारे लिए छुटकारा नहीं है कि तुम वैराग्य धारण करो और चले जाओ, अब तो तुम्हें ये चलाना है और आगे बढ़ाना है। तो राज्य स्थापित करने के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो श्री राम उनको समझाते हैं। आर्थिक लूट से बचने के लिए राज्य चाहिए, राज्य की रक्षा के लिए सेना चाहिए, सेना के लिए धन संपत्ति चाहिए और धन संपत्ति इकट्ठा करने के लिए राज्य में उद्योग और व्यापार चाहिए, ये पूरा एक चक्र है। और वो राम कहते हैं कि इसमें से अगर कुछ भी निकल गया तो सब चला जाए। उसके बाद एक और दूसरी बात वो सुग्रीव से कह रहे हैं कि देखो सुग्रीव राज्य को धन की आवश्यकता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये धन प्रजा के कल्याण में लगने वाला होगा तो श्रेय होगा और जो प्रजा का शोषण करने वाला हुआ तो ये छोड़ने लायक होगा। तुम तय कर लो कि तुम्हारे राज्य के लिए धन की जरूरत है तो किस रास्ते से लाना है, प्रजा के कल्याण वाला या प्रजा के शोषण वाला। तो सुग्रीव कहता है आपके रहते मैं सोच कैसे सकता हूं। तो राम कहते हैं कि इसका संकल्प हमेशा याद रखो कि धन वही जो प्रजा का कल्याण कर सके, ऐसा धन बिल्कुल नहीं जो प्रजा के शोषण से आया हुआ। तो धीरे धीरे राम एक आदर्श राज्य की कल्पना बुनते चले जा रहे हैं, एक आदर्श राज्य कैसा होता है उसकी स्थापना में लगे हुए। अब आखिरी समय है उनके अभियान का कि जब सुग्रीव और हनुमान की मदद से सेना तैयार होती है और सेना को लेकर लंका की तरफ कूच करते हैं, तो सेना जब समुद्र के किनारे पहुंचती है तब राम को उसका अंदाजा होता है कि कितने सैनिक हैं उसमें। तो लक्ष्मण पूछ रहे हैं कि क्या आपको भरोसा है कि ये सेना रावण से लड़ेगी, तो राम उनको कहते हैं कि हाँ भरोसा ही नहीं विश्वास है
कि ये लड़ेगी ही नहीं, रावण को पराजित करेगी। तो कहने लगे वो कैसे? तो वो कह रहे हैं कि ये जो सब सैनिक है ना, ये फुल टाइमर नहीं है, पूर्णकालिक सैनिक नहीं है, ये सब अर्धकालिक है। माने ये राज्य के नागरिक हैं, अपनी जिंदगी चलाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, क्योंकि ये रावण से पीड़ित हैं, इसलिए मेरे साथ आए हैं और सेना में शामिल हुए। ये पूर्णकालिक सैनिक नहीं है, इसलिए इनकी भावना बड़ी है, ये पैसे के लिए नहीं लड़ने आए हैं, ये अपने सम्मान की रक्षा के लिए लड़ने के लिए आए। इनकी जो पत्नियों को रावण उठा ले गया है, उनको वापस लेने के लिए मेरे साथ आए। पूर्णकालिक सैनिक और अर्धकालिक सैनिक का मतलब जो वो समझा रहे हैं कि हम जिनको पगार देते हैं और वो सेना के लिए लड़ते हैं, उनका भरोसा नहीं, हमसे ज्यादा कोई पगार देगा तो वहां चले जाए, लेकिन इनमें कोई पगारधारी नहीं है, ये सब एक्टिविस्ट हैं, एक तरह से आज की भाषा में सोशल एक्टिविस्ट हैं। ये अपने अपने अपमान का बदला लेने के लिए रावण के खिलाफ है। ये सिर्फ मेरी पत्नी के अपमान का बदला नहीं, इनकी अपनी पत्नियों के अपमान का बदला लेने, इसलिए मुझे लगता है कि ये लड़ेंगे ही नहीं, जीतेंगे। तो लक्ष्मण पूछ रहे हैं आपको मालूम है इनमें कैसे कैसे सैनिक है? तो राम कहते हैं हाँ, इनमें कई सैनिक ऐसे हैं जो सवेरे से शाम तक लोहा गलाते हैं भट्टियों पर, और उनसे कुछ औजार बनाते हैं, और समय मिलता है तो मेरे पास अभ्यास करने के लिए आते हैं। फिर वो कहते हैं कि इनमें से कई सैनिक ऐसे हैं जो कुम्हारी का काम करते हैं, चाक चलाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उसमें से समय बच जाता है तो मेरे पास आते हैं प्रशिक्षण लेने के। फिर वो कहते हैं इनमें से कई सैनिक ऐसे हैं जो धागा बनाते हैं, कपड़ा बुनते हैं, बुनकर हैं, जब इनको समय मिल जाता है तो मेरे पास प्रशिक्षण लेते हैं। तो लोहार है, कुम्हार है, बुनकर है, धुनकर है, 18 जो हम जानते हैं ना गांव गांव में कारीगरी का काम करने वाले, वो सब रामचंद्र जी के सैनिक हैं। कारीगरों को सैनिक बना दिया, ऐसा कोई राजा हमने हजारों साल इस देश में देखा नहीं, कारीगरों को सैनिक बना लिया। जितने भी राजा हैं, दशरथ, दशरथ के पहले के 5 कुल रघु से शुरू होता है और दशरथ तक आते 5 बीते हैं कुल, इन 5ों समय में जितने भी राजा हुए हैं सबके पास पूर्णकालिक सैनिक हैं, पगार पर काम करने वाले सैनिक हैं। राम अकेले राजा हैं अपने कुल में जिनके पास एक भी सैनिक नहीं है जो पगार लेकर लड़े। वो तो लड़ रहे हैं इसलिए कि उनके सम्मान का प्रश्न। आप सोचो, साधारण से लोग जो लोहारी, कुम्हारी, बुनकरी का काम करते हैं उनको सैनिक बना दिया, ये तो कोई विरले ही लोग कर पाते। साधारण से वानरों को रावण से लड़ने के लिए खड़ा कर दिया, ये तो कोई विरले लोग कर पाते। और इन सब की सेना इकट्ठी होकर जब पहुंची है समुद्र के किनारे, तो बड़ा प्रश्न है समुद्र पार कैसे करें, लंका तक जाएं कैसे। और उसके पहले की घटना ये है कि ये तय किया गया कि भाई हम सब समुद्र जाएंगे पार करने के लिए, उसके पहले किसी एक को भेज के देख लो। तो हनुमान को भेजा गया है, वो लंका पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद वो सब जो उन्होंने किया है वो आप सब जानते हैं। लौट के हनुमान जी पूरा वर्णन कर रहे हैं, रावण ऐसा है, उसका व्यवहार ऐसा है, उसकी सेना इतनी है, महल ऐसा है, सुरक्षा इतनी है, पहुंचना मुश्किल है, वगैरह वगैरह। तो व्यू रचना हो रही है, तो पहली व्यू रचना के समुद्र पार कैसे करें, एक हनुमान तो जा सकते हैं, सबकी तो ताकत नहीं है, तो पुल बनाओ। तो पुल बनाने के लिए राम एक भाषण देते हैं अपनी सेना के सैनिकों कि हमें पुल बांधना है, लेकिन ये असंभव है। क्यों? समुद्र पर पुल बांधना ये तो कभी हुआ नहीं है, राम जी के पहले तो कभी हुआ नहीं है और राम जी के बाद भी हुआ नहीं है। पूरी दुनिया में समुद्र पर पुल बांध दिया हो ऐसी कोई घटना नहीं है। और बचपन में मैं सुना करता था हमारे भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को अथीस्ट कहते हैं, अथीस्ट समझते हैं, नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, रामचरितमानस को नहीं मानते, वो ये कहते हैं ये सब कल्पना है, कपोल कल्पना है,
ऐसे बहुत लोग हैं, उनमें से हमारे एक टीचर भी थे, हिंदी पढ़ाते थे हमको, और एकदम नास्तिक। और आप जानते हैं कि हिंदी में तो ये सब आता ही है, रामचरितमानस भी आता था, हमें पढ़ना पड़ता था, और 10 नंबर का सवाल भी आता था उस पर, तो उन्हें वो रामचरितमानस पढ़नी भी पड़ती थी। तो वो पढ़ाते जाते थे, अंत में एक लाइन जोड़ देते थे, ये सब कल्पना है, ये सब कल्पना है। अब एक दिन हम सब पढ़ रहे थे यही कि भगवान राम ने पुल बांधा, तो पुल बांधा तो उसका वर्णन तो बहुत विस्तार से, मैं तो आपको संक्षेप में बता रहा हूं। तो वो हमारे जो प्रोफेसर साहब कहने लगे, ये बिल्कुल असंभव है, कभी किसी ने पुल बांधा नहीं, और पुल बंधे समुद्र पर, ये हो नहीं सकता, विज्ञान से ये सहमत नहीं, माने विज्ञान से सम्मत नहीं है, विज्ञान इसकी परमिशन नहीं देता कि पुल बन जाए किसी समुद्र में। तो उस समय मुझे तो कुछ समझता नहीं था, और बात तो उनकी याद थी मुझे। अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ पढ़ाई करता था, अब अमेरिका में नौकरी करता है, नासा में काम करता है, तो उसने मुझे कुछ फोटोग्राफ्स भेजे। उसने कहा, देखो हमारे नासा के सैटेलाइट ने कुछ फोटोग्राफ्स उतारे जो तुम्हारे बहुत काम के हैं। तो मुझे मालूम नहीं था कि वो फोटोग्राफ्स का विषय क्या है, लेकिन जब वो आए मेल के द्वारा और मैंने मेरा मेल बॉक्स खोला, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि वो फोटोग्राफ 5,13,000 वर्ष पहले के, 5,13,000 वर्ष पहले का कोई पुल बना है श्रीलंका और भारत के बीच में, उसके फोटोग्राफ से। बाद में मैंने वो फोटोग्राफ्स देखने के बाद नासा के डायरेक्टर को मेल किया, जॉइंट डायरेक्टर को मेल किया, उनके बहुत सारे साइंटिस्ट को, कि आप मानते हैं कि ऐसा कोई पुल है? उन्होंने कहा हाँ मानते हैं, और ये पुल अभी भी जीवित है। रामेश्वरम है ना, रामेश्वरम, वहां से शुरू होकर और लंका के आखिरी जो किनारा है वहां तक जाता है, पुल अभी भी जीवित है, और 47 नॉटिकल माइल का है, और भारत के समुद्र के आखिरी किनारे से श्रीलंका के समुद्र के पहले किनारे के बीच की दूरी भी 47 नॉटिकल माइल। तो मैंने उनसे पूछा, ये कैसे संभव है? सैटेलाइट तो झूठ बोल नहीं सकता, क्योंकि सैटेलाइट में कोई आदमी नहीं होता, झूठ बोलने की आदत तो आदमियों को होती है, मशीन तो ज्यादा नहीं बोलती, और उसकी प्रोग्रामिंग भी वैसी नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने ये प्रोग्रामिंग फीड करके सैटेलाइट नहीं छोड़ा था कि उस पुल का ही फोटो लेना है, वो तो दुनिया भर के फोटो उतार रहा है, घूमता रहता है, फोटो उतारता रहता है, अभी फोटो आ गए उसकी पकड़ में तो हम देख रहे हैं। तो अमेरिका के नासा के सब वैज्ञानिकों ने मान लिया कि भारत देश में 5,13,000 साल पहले कोई पुल बना था, और भगवान राम का समय ठीक आज से 5,13,000 कुछ सौ वर्ष का है, ठीक आज के समय से, तो यह सिद्ध हो गया कि पुल बना था। और वैज्ञानिक ये कहते हैं कि यह अद्भुत है, ऐसा पुल अद्भुत है। कैसे अद्भुत है? वो ये कहते हैं कि इस पुल को बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े पत्थरों को समुद्र में डुबोया गया है, और वैज्ञानिकों ने यहां तक कह दिया है कि इन बड़े पत्थरों को समुद्र के तल तक पहुंचाने के लिए पत्थरों के साथ जहाजों को भी डुबोया गया। और कम्बन रामायण में यह बात आती है कि भगवान राम ने नल और नील, नल और नील आप जानते हैं रामायण में है, नल और नील ये जो है ना सुग्रीव और हनुमान, इन्हीं के मित्र मंडली के दो लोग हैं, दोनों सिविल इंजीनियर, आज की भाषा में मैं कहूं तो वास्तु विशेषज्ञ हैं दोनों के दोनों, क्योंकि उनका वर्णन बहुत लंबा है कम्ब रामायण में। नल की विशेषताएं क्या है? नल की विशेषता यह है कि किसी भी तरह की सड़क का निर्माण, किसी भी तरह के भवन का निर्माण करने में सक्षम है नल। और नील की विशेषता क्या है? नील की विशेषता यह है कि पानी से जुड़ा जितना इंजीनियरिंग है, जिसको आज की भाषा में हाइड्रोलिक्स आप कहिए, उसका विशेषज्ञ है। तो ये नल और नील दोनों भाई हैं, और राम की सेना के सैनिक बन गए हैं, क्योंकि ये सुग्रीव के दोस्त हैं, सुग्रीव राम के साथ आ गए। तो नल और नील ने पुल की नींव रखी है, ये हमने कम्ब रामायण में बार बार पढ़ा है।
और नासा का सैटेलाइट कहता है कि नींव रखी गई है तो कुछ जहाज पत्थर लेके स्वयं डूबे हैं, क्योंकि वो जहाज भी अभी तक वहां है नीचे उन पत्थरों के साथ। और उन जहाजों का कुछ हिस्सा निकालकर कार्बन डेटिंग किया गया तो उम्र उनकी भी 5,13,000 और कुछ 100 वर्ष निकल रहे। और कंभ रामायण में कंभ ऋषि ने बहुत विस्तार से वर्णन किया है कि कैसे एक जहाज को राम भेज रहे हैं, उसमें पत्थर रखे हुए हैं और वो जहाज डूब रहा है, फिर उसके ऊपर दूसरा डूब रहा है, फिर तीसरा डूब रहा है, ऐसे 47 जहाज डूबे हैं, उनके पत्थर रखे गए हैं, तब जाकर एक दीवार बनी है, फिर दूसरी दीवार, फिर तीसरी दीवार, इस तरह से पुल का निर्माण हुआ है। और वो पुल पूरा होने के बाद ये जो सेना है ये उस पर से लंका गई है। पुल बनाते समय बहुत ध्यान रखा है नल और नील में, इससे समझ में आएगा कि टेक्नोलॉजी कैसी है। नल और नील संवाद कर रहे हैं राम से कि पुल कैसा होना चाहिए, आप जरा बताइए। तो राम कहते हैं भाई तुम विशेषज्ञ हो, तुमको पता होना चाहिए कैसा होना चाहिए। तो भी कहते हैं आप कुछ तो इशारा करिए, हम तो तकनीकी जानते हैं लेकिन आप तो गूढ़ रहस्य भी जानते हैं, आप बताइए। तो राम कहते हैं देखो पुल ऐसा होना चाहिए जिस पर से मेरी पूरी सेना पार हो जाए और जरूरत पड़ने पर वापस भी लौट आए। ऐसा नहीं कि सेना पार हुई और पुल गया, जाए पूरी सेना और लौटकर वापस आए। तो नल और नील बड़े आश्चर्य में पड़ गए, वो कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमारी सेना जाए और लौट के भी वापस आए। तो राम कह रहे हैं कि मैं जिस रास्ते जा रहा हूं इसी से वापस भी आऊंगा। तो नल और नील पूछ रहे हैं कि भगवान वो तो बड़ी अच्छी नगरी है लंका, सोने की है, हीरे जवाहरात है, बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, आपके बारे में तो मैं ये सोच रहा हूं कि आप वहां जाके रहेंगे, रावण को मारेंगे और वहीं अपना आवास बनाएंगे। तब नल नील को उन्होंने कहा है जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि जिस भारत माता ने मुझे जन्म दिया है वो स्वर्ग से महान है, भले वहां सुविधाएं कम है, धन संपत्ति कम है, लेकिन मैं लौटूंगा अपनी जन्मदात्री के पास, मैं लंका में नहीं रहने वाला। इसलिए पुल बनाते समय ध्यान इस बात का रखो कि सेना जानी चाहिए और पूरी वापस आनी चाहिए, तब तक पुल टूटना नहीं चाहिए। तब नल और नील कहते हैं कि तब तो इसमें समय लगेगा। तो राम कहते हैं लगने दो, तब तक तुम समय लगाओ पुल बनाने में, मैं सेना का प्रशिक्षण करता हूं, दोनों काम होते हैं। तब कंभ रामायण में एक वर्णन है कि नल और नील कोई विशेष तरह का एक पदार्थ तैयार कर रहे हैं जो पत्थरों को जोड़ने का काम करे, और ऐसा पदार्थ हो जो पानी में भी ना घुले। तो नल और नील को यह पदार्थ तैयार करने में 13 दिन लगे हैं, जड़ी बूटियों का और पत्थरों का चूरा बना के, लेकिन पदार्थ इतना अच्छा तैयार हुआ है कि दो पत्थर के बीच में लगा दो तो पानी से भी ना घुले। और अब नासा ने यह मान लिया है कि जो पत्थर आपस में जुड़े हुए हैं कुछ अद्भुत पदार्थ से जुड़े हुए हैं जो 5,13,000 साल बीतने के बाद भी अभी तक घुला नहीं है और पत्थरों को जोड़कर उसने अभी तक रखा हुआ है। इसका माने कोई तो सिविल इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी रही होगी, आज की आधुनिक विज्ञान में ले देके जोड़ने के लिए एक ही चीज है, वो है सीमेंट, और सीमेंट की अधिकतम जिंदगी 100 साल है, 100 साल का सीमेंट है। अच्छी से अच्छी बिल्डिंग कितनी भी कंक्रीट वाली आप बना दो 100 साल के ऊपर नहीं टिकती, 100 साल के बाद बिल्डिंग जाती ही है। उससे अच्छा तो भारत का चूना है जो कम से कम 500 साल टिकता है, जिससे राणा प्रताप का किला बना हुआ है, या तो जोधपुर का किला बना हुआ है, या तो ये जयपुर का किला बना हुआ है, या तो शिवाजी महाराज के, वो 500 साल के हैं जो चूने से बने हैं। लेकिन नल और नील के पास इन दोनों से अलग कोई तीसरी चीज है जो 5,13,000 साल से टिकी हुई है। तो कंस्ट्रक्शन में, सिविल में इतनी ऊंची टेक्नोलॉजी ये तो किसी ने कल्पना नहीं की। बहते हुए समुद्र के पानी पर पुल बना दे कोई, ये तो आज की इंजीनियरिंग के विषय के बाहर है।
मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो सिविल और कंस्ट्रक्शन में हैं, और उनमें से मैं बहुत बार चर्चा करता हूं कि यार कोई तो कल्पना करो, कोई तो हाइपोथेसिस लाओ कि समुद्र के पानी पे पुल बन सकता है। उन्होंने कहा हमारी कोई हाइपोथेसिस और कोई कल्पना उतनी दूर तक जाती नहीं कि समुद्र के बहते हुए पानी पर पुल बन सके। मैंने कहा यार ये तो बनाया 5,13,000 साल पहले, दो बड़े सिविल इंजीनियर हुए नल और नील, दोनों ने बना के दिखाया और नासा ने अब मान लिया कि हाँ ऐसा पुल था। तो इससे सिद्ध यह होता है कि राम के जमाने की टेक्नोलॉजी कितनी ऊंची रही होगी। और अब जब ये सबूत मिल गया, ये देखिए दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक तो मेरे जैसे कुछ मूर्ख लोग हैं जो विश्वास बाद में करते हैं, सबूत पहले मांगते हैं कि यार कोई प्रूफ दिखाओ तब तुम्हारी बात मानी, तो उनके लिए मुझे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने पड़ते हैं। लेकिन एक ऐसे लोग हैं जो विश्वास पहले करते हैं और सबूत कभी नहीं मांगते कि हाँ ये हुआ ही होगा, क्योंकि राम में ये क्षमता है कि वो कर सकते हैं। और ऐसे करोड़ों लोग इस देश में, वो कभी सबूत नहीं मांगते कि राम ने पुल बनाया था तो कहां था, पत्थर कौन सा था, सीमेंट कौन सा लगा, एडहेसिव फोर्स था कि नहीं था, सरफेस टेंशन कितना रहा होगा, ये फालतू सवाल नहीं करते। मेरे जैसे कुबुद्धि लोग जो थोड़े आधुनिक शिक्षा में पढ़ गए वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। तो अब नासा ने वो डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए, तो उनके आधार पर मैं अब वैज्ञानिकों से चर्चा करता हूं कि कल्पना कर सकते हैं ऐसा कोई पुल था। उन्होंने कहा हमारी विज्ञान तो फेल है। तो इसका माने 5,13,000 साल पहले की विज्ञान को ज्यादा ऊंची रही होगी, तभी यह संभव था। और पुल बना है पत्थरों से, ये कहानी तो सब जगह एक जैसी है, क्योंकि जहां पुल बना है वहां पत्थर ही पत्थर है और कुछ है नहीं। पत्थरों को जोड़ने के लिए कोई उन्होंने बनाया है पदार्थ, और वो पदार्थ इतना मजबूत कि इतने लाख साल टिक गए, और वो पुल इतना मजबूत कि सेना गई और वापस आई, और सिर्फ गई और वापस ही नहीं आई, लाखों साल तक वो पुल बना रहा। फिर समुद्र के किसी तेज बहाव के चलते, कोई सुनामी के चलते पानी का लेवल ऊंचा हुआ तो वो पुल नीचा पड़ गया, टूटा नहीं, पुल अभी भी सुरक्षित है। बस ये हुआ कि कभी सुनामी आई, तल बढ़ गया, पुल नीचे हो गया, टूटा नहीं है, अभी भी नहीं टूटा, तभी तो फोटोग्राफ में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा। कभी समय और मौका मिला तो मेरे पास इस फोटोग्राफ्स का बहुत सुंदर कलेक्शन है, ये नासा से मंगाए हुए एलसीडी प्रोजेक्टर मिले तो मैं आपको दिखा सकता हूं, मेरे लैपटॉप में अभी भी ये सारे फोटोग्राफ्स पड़े हुए। ये पुल इतना सुंदर है कि देखने के बाद मुंह से यही निकलता है कि क्या तकनीकी रही होगी, कितनी ऊंची तकनीक है। इस पुल की डिजाइन कैसी है वो भी सुनो, अंदर के जो फोटोग्राफ्स हैं जो स्पष्ट हैं, आप जानते हैं सैटेलाइट जो है ना समुद्र के 90 से 150 किलोमीटर नीचे तक के चित्र बिल्कुल स्पष्ट खींच लेता है। आज जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में, पहले ऐसा नहीं था 20 साल पहले, लेकिन अब इस क्वालिटी के सैटेलाइट बनते हैं कि समुद्र में 150 किलोमीटर तक नीचे के फोटोग्राफ बिल्कुल स्पष्ट खींचे जा सकते हैं। तो जो पुल के फोटोग्राफ्स है ना बहुत अच्छे से आए हैं। तो पुल का शेप कैसा है, ऐसा है, जेड शेप होती है ना, जेड अंग्रेजी का जेड बनाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये है पूरा पुल। तो बहुत दिन में सोचता रहा कि नल और नील ने ये जेड शेप क्यों बनाया। आजकल के तो पुल जो हम देखते हैं आधुनिक जो इंजीनियर बनाते हैं वो स्ट्रेट लाइन होता है पूरा, एक पूरी दीवार खड़ी कर देते हैं, बांध बन गया। लेकिन उस समय जो उन्होंने बांधा है उसमें ये जेड शेप है, ये क्या चक्कर है। तो बहुत दिन में कई प्रोफेसर्स के साथ माथा पच्ची करता रहा, बाद में समझ में आया कि समुद्र में पानी का प्रवाह और उसका दबाव बहुत अधिक होता है, और हम कोई स्ट्रेट लाइन खींच दें तो उसके ऊपर दबाव पानी का सबसे ज्यादा होता है, तो पुल टूटने की सबसे ज्यादा संभावना है। तो नल और नील ने अकल लगा के उसको ऐसे जेड शेप में बदल दिया ताकि दबाव हर दीवार पर बराबर पड़े और पुल नहीं टूटे। इतनी ऊंचाई हिंदुस्तान के लोगों में फिजिक्स की उस जमाने में 5,13,000 साल पहले, और आज के
आधुनिक विज्ञान को पढ़कर निकले हुए जो पुल बनाते हैं वो ऐसे कि एक ही बाड़ में गया, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, पानी का दबाव ज्यादा पड़ेगा जल्दी से टूट जाएगा, लेकिन उसी को अगर आप जेड शेप दे दें, जिगजैग शेप दे दें, तो पानी का दबाव सभी दीवार पर पड़ेगा और पुल सुरक्षित रहेगा। इतनी अकल उनको है, इस तरह की विज्ञान। तो ये पुल बना है, पहले हम मानते थे कि कल्पना है, अब सिद्ध हो गया कि ये इतिहास है। और जब ये सिद्ध हो गया है तो अब मैं ये कहता हूं कि आगे भी बहुत कुछ सिद्ध होगा, थोड़े दिन के बाद और बहुत कुछ सिद्ध होगा। तो इस पुल को बना के राम की सेना गई है लंका, और लंका के रावण के साथ हुआ है युद्ध, और उस युद्ध में विजय मिली है राम को। उस युद्ध के पहले की एक घटना है जो बहुत महत्व की है। रावण का एक भाई है विभीषण, जो रावण से बहुत परेशान है, जैसे बाली का एक भाई है सुग्रीव, जो बाली से बहुत परेशान है, ऐसे ही रावण का एक भाई है विभीषण, जो रावण से बहुत परेशान है। रावण की जितनी नीतियां हैं उनसे वो सहमत नहीं, रावण के जो कुकर्म है उनसे वो सहमत नहीं। रावण श्री राम की पत्नी को उठा लाया है, विभीषण उससे भी सहमत नहीं, और वो बार बार समझा रहा है अपने भाई को कि क्यों झंझट मोल ले रहे हो, ये उसकी पत्नी को वापस कर दो। लेकिन रावण अपने अहंकार में और मद में चूर है, कैसे वापस करना, अभी तो युद्ध लड़ेंगे, अगर वो जीत ले तो ले जाए, नहीं तो युद्ध में मैं जीता तो मेरी हो गई, इस भावना का है आदमी। तो विभीषण अंत में जब बहुत परेशान है, थक जाता है, और रावण के द्वारा बार बार उसका अपमान किया जाता है, तो एक दिन वो लंका छोड़ के श्री राम जी के पास आ जाता है, और श्री राम को आके कहता है कि मैं विभीषण, लंकापति रावण का भाई, आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। राम पूछते हैं क्यों, तो वो कहता है कि मैं आपकी नीतियों से सहमत हूं, रावण आपकी नीतियों से सहमत नहीं है, मैं आपके साथ होना चाहता हूं, और चाहता हूं कि रावण का संहार हो तो मैं भी आपके साथ हूं। तो विभीषण के मन में एक प्रश्न है, वो राम को कहते हैं कि देखिए मेरे मन में एक प्रश्न है, वो मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं युद्ध में आपके साथ रहना चाहता हूं, लेकिन युद्ध के बाद क्या। तो राम कहते हैं तुम्हें कोई शंका है, मैंने बाली से युद्ध किया है और उसका राज्य उसके भाई सुग्रीव को दिया है, तुमको क्यों शंका होती है, रावण से युद्ध करेंगे, जीतेंगे और राज्य तो तुम्हारा होगा। तो फिर दूसरा प्रश्न करता है कि आपकी ये जो सेना है लंका में जब घुसेगी तो रावण की तरह से ही व्यवहार करेगी या राम की सेना की तरह से व्यवहार करेगी। तो राम कहते हैं स्पष्ट करो इसको। तो वो कहते हैं विभीषण कि रावण की सेना जब किसी दूसरे राजा से लड़ने के लिए जाती है तो युद्ध तो बाद में शुरू होता है, सेना की लूटपाट पहले शुरू हो जाती है, युद्ध तो युद्ध के मैदान में होता है, लेकिन ये सेना उस राजा के गली मोहल्ले चौराहे में घर घर में उसके संपत्ति लूट के लाती है, उनके बहन बेटियों को लूट के ले आती है, ऐसी है रावण की सेना, क्या आपकी भी सेना ऐसी है। राम कहते हैं इसका उत्तर मैं दूंगा तो अतिशयोक्ति होगी, तुम थोड़े दिन साथ में रहो तो मिल जाएगा। तो हनुमान कहते हैं कि आपको ऐसी शंका करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सेना है वो जन सेना है, पगार वाली सेना नहीं है, इसमें एक भी सैनिक वेतन लेकर लड़ने वाला नहीं है, ये अपने सम्मान के लिए, लड़ने वाले लोग हैं, इसलिए चिंता मत करो, ये किसी को लूटेंगे नहीं, क्योंकि अगर इनको लूटने का ही लालच होता तो ये श्री राम के पास आते क्यों, क्योंकि श्री राम तो इनको तनख्वाह दे नहीं रहे, पगार दे नहीं रहे, उल्टा इनका समय खर्च हो रहा है। तो विभीषण आश्वस्त होता है, और तीसरी और आखिरी बात राम से पूछता है कि जब आप रावण को परास्त युद्ध में करेंगे तो अन्याय का बदला किससे लेंगे। तो राम कहते हैं चिंता मत करो, रावण और उसको सहयोग देने वाले और उसकी नीति बनाने वाले जो सहयोगी हैं, सिर्फ उन्हीं तक मेरी नजर है, उसके आगे किसी एक व्यक्ति को भी नुकसान नहीं होगा। तो विभीषण कहता है कि फिर मैं आपसे वायदा करता हूं कि लंका की जो प्रजा है वो आपके साथ रावण के खिलाफ लड़ेगी। तो राम कहते हैं फिर तो युद्ध में विजय निश्चित।
और उसी समय विभीषण के मन से ये निकल जाए, उसके मन में शंका ना रहे, तो राम उसका राज तिलक वही समुद्र के पानी और बालू से करते हैं कि आज से हम तुम्हें लंका का राजा घोषित करते हैं। तब विभीषण कहता है कि मैं आपको कुछ गुप्त बातें बताता हूं जिससे रावण का संहार करना आसान होगा, और उन गुप्त बातों के आधार पर युद्ध है। युद्ध की कहानी आप सब जानते हैं, रावण का संहार होता है, रावण मरता है, विभीषण को राजा बना दिया जाता है, सीता को लेकर राम अयोध्या वापस आते हैं, और आगे की कहानियां आप सब जानते हैं। इसमें से जो मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूं वो ये कि राम कथा तो इतनी सी ही है, लेकिन इसका जो विश्लेषण है वो बहुत गहरा है। अब मैं आता हूं इस राम कथा से भारत की समस्याओं का समाधान। क्या समस्याओं का समाधान होता है? राम जी का पहला स्टेटमेंट जो आपने को मैंने कोट किया, जो सबसे ज्यादा गंभीर और ऊंचाई वाला है, वो ये कह रहे हैं कि राज्य होता है आर्थिक लूट से प्रजा को बचाने के लिए, और राज्य बचाने के लिए सेना होती है, सेना के लिए सैनिक होते हैं, और धन शक्ति की जरूरत होती है, लेकिन धन शक्ति शोषण आधारित नहीं। ये अब हिंदुस्तान की आज की समस्या क्या है और इसका समाधान इसमें से क्या निकलता है? आज का जो राज्य है हमारे देश का, जिसको अलग अलग राजनीतिक दल चला रहे हैं, वो किसी भी नाम से हो, नाम लेके बात करने की जरूरत नहीं, जितने भी राजनीतिक दल इस राज्य को चला रहे हैं, क्या राम की इस परिभाषा पे खरे उतरते हैं कि राज्य होता है आर्थिक लूट से प्रजा को बचाने के लिए, और राज्य की रक्षा के लिए सेना होती है, और सेना के सैनिकों की मदद के लिए धन की जरूरत होती है, और धन प्रजा के शोषण से नहीं आना चाहिए, पोषण से आना चाहिए। तो क्या हमारे देश के राजा, आज के राजा, प्रधानमंत्री या उनका मंत्रिमंडल इस पे खरे उतरते हैं कहीं? राज्य हमारा ऐसा है जो आपको आर्थिक लूट से बचाने वाला हो? दुर्भाग्य हमारे देश का यह है कि आज हमारा राज्य ही हमारी लूट करने वाला हो गया है। राज्य कैसे लूट कर रहा है आपकी, आपको मालूम है? आप बाजार में जाते हैं, 52 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद के लाते हैं, यही भाव है ना पेट्रोल का? आपको मालूम है 1 लीटर पेट्रोल 18 रुपए में बनता है, 1 लीटर पेट्रोल 18 रुपए में बनता है, और आपको 52 रुपए का बेचा जाता है। कितना लूटती है आपकी सरकार आपको? अगर 18 रुपए लीटर का पेट्रोल 36 रुपए लीटर में आपको बेचा जाए तो 100% लूट हो गई, और 18 रुपए लीटर का पेट्रोल 36 के आगे 18 और जोड़ 200% लूट हो गई, और ये लूट आपकी ही सरकार कर रही है, माने आपका राज्य ही आपको लूट रहा है। और राम बोल कर गए हैं कि राज्य का काम है प्रजा की लूट को रोकना, और इस समय हमारा राज्य प्रजा को ही लूटने में लगा हुआ है। ये पेट्रोल का तो एक उदाहरण दिया, आपको मालूम है आप जिंदगी में कितने टैक्स भरते? सवेरे से शाम तक आप जितनी चीजें अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, इन सभी वस्तुओं पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 64 तरह के टैक्स लगते हैं, 64 तरह के। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, फिर उसके बाद इनकम टैक्स, फिर कॉर्पोरेट टैक्स, फिर वैल्यू एडेड टैक्स, फिर स्टेट लेवल पे ढेर सारे टैक्स, टैक्स ही टैक्स, और ये एक तरह की लूट। तो राम जी तो कह रहे हैं कि राज्य होता है प्रजा को लूट से बचाने के लिए, और यहां राज्य बन गया है प्रजा को लूटने के लिए। तो राम राज्य है इस देश में? नहीं। तो लाना है कि नहीं लाना है? तभी तो राम कथा सुनने का कोई फायदा है, नहीं तो फायदा क्या? राम खुद ही कह रहे हैं राज्य ऐसा होना चाहिए जो प्रजा को लूट से बचाए, और हम राम कथा सुने और सुनाए और प्रजा से लूट को बचाने वाला राज्य स्थापित ना कराएं तो राम कथा का कोई महत्व नहीं। तो मेरा मानना है कि भारत की प्रजा की लूट बंद करानी है और राम राज्य लाना है तो राम के सूत्र का पालन करना है। दूसरा एक महत्व की घटना है जो बीच की है पूरे कहानी में,
और मैंने जानबूझ के छोड़ी अंत में बोलने के। आप जानते हैं जब राम वन गमन कर गए हैं, दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया है, तो उनके भाई भरत रामचंद्र जी को मिलने आए हैं, है ना, अयोध्या कांड, भरत राम संवाद। और ये जो भरत राम संवाद है ना, ये सभी कहानियों में है, सब कथाओं, दक्षिण की भी राम कथा में है, उत्तर की भी में भी है, मध्य भारत में भी है, पश्चिम में भी है, हर रामायण में है, हर रामचरितमानस में, रघुवंशम में है, कालिदास ने लिखा, सब ने लिखा है भरत राम संवाद। भरत राम को मनाने आए हैं कि आप चलो वापस, पिताजी का हो गया है स्वर्गवास, मैं बनना नहीं चाहता, मुझे जबरदस्ती बना दिया गया है, आप चलो। तो राम को जब भरत मिलने आए हैं तो रामचंद्र जी ने भरत से कुछ प्रश्न पूछे और ये प्रश्न राम राज्य की पूरी परिभाषा तय करते हैं। राम जो भरत से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम आए हो बहुत अच्छा है, पिताजी की मृत्यु का समाचार लाए हो ये दुखद है, लेकिन ये बताओ कि जिस राज्य को तुम चला रहे हो, जिसका अधिपति तुम कहते हो मैं हूं और तुम अपने को प्रतिनिधि मात्र मानते हो, तो उस राज्य का हाल कैसा है जरा बताओ तो सही, मैं जैसा छोड़कर आया था वैसा ही है या कुछ गिरावट आई है या कुछ बेहतर हुआ है। तो भरत से जो सबसे पहला प्रश्न पूछा है राम ने कि क्या तुम राज्य के सभी पुरोहितों को, सभी गुरुओं को और सभी आचार्यों को उतना ही सम्मान देते हो जितना मैं देता था। पहला प्रश्न, क्या तुम अपने राज्य के सभी पुरोहितों को, आचार्यों को और विद्वान लोगों को उतना ही सम्मान देते हो जितना मैं देता हूं? अगर हां तो तुम राम राज्य चला रहे हो, और अगर ना तो तुमको ठीक करने की आवश्यकता है। तो भरत कहते हैं कि हां, मैं उतना ही सम्मान देता हूं जितना आप देते थे। अब इसका महत्व समझिए, राम कह रहे हैं भरत को समझाते हुए कि जिस राज्य के पुरोहित, जिस राज्य के विद्वान और जिस राज्य के आचार्य राजा के द्वारा सम्मानित नहीं होते, वो राज्य कभी भी ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं करता, वो डूब जाता है। ये बहुत महत्व की बात है। तो भरत को कह रहे हैं कि राम राज्य का पहला सूत्र ये है, पुरोहितों का सम्मान, आचार्यों का सम्मान और विद्वानों का सम्मान। अब कंभ रामायण में ये विस्तार से है, कंभ रामायण में भरत राम को प्रश्न कर रहे हैं कि आचार्यों का सम्मान मैं समझ गया, विद्वानों का सम्मान भी मैं समझ गया, लेकिन पुरोहितों का क्यों? पुरोहित माने पूजा कराने वाले कर्मकांडी लोग, इनका सम्मान क्यों? तो राम समझा रहे हैं भरत को, और ये बहुत गहरी बात है। वो कह रहे हैं कि देखो, ये जो पुरोहित है ये राज्य के नागरिकों के जिंदा रहने के आधार है। तो भरत के समझ में नहीं आ रहा कैसे, तो राम समझा रहे हैं कि देखो, कोई पुरोहित है पूजा करवाता है, तो जो पूजा करवाने वाला है पुरोहित और जिनके यहाँ पूजा हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, यजमान। तो जिसके यहाँ पूजा हो रही है यजमान को पुरोहित कुछ कहता है कि भाई पूजा होगी तो 5 घड़े ले आना, 10 सकोरे ले आना, 50 कुल्लड़ ले आना, 10 मीटर नया कपड़ा ले आना, 10 किलो घी ले आना, हवन सामग्री ले आना, ये हाथ में बांधने वाला धागा ले आना, ऐसे 100-200 सामान की लिस्ट बना देता है। तो भरत कह रहे हाँ, तो राम कहते हैं तुम्हें समझ में नहीं आता, ये पुरोहित कारीगरों का मार्केटिंग मैनेजर है, है कि नहीं? पुरोहित अपने लिए कुछ नहीं मंगा रहा है, कह रहा है 10 घड़े ले आना, घड़े आएंगे तो कुमार को काम मिलेगा, कुल्हड़ आएंगे तो कुमार को काम मिलेगा, नया कपड़ा आएगा तो बुनकर को काम मिलेगा, हाथ पे बांधने वाला धागा आएगा तो सूत काटने वाले को काम मिलेगा, घी आएगा तो ग्वालों को काम मिलेगा, हवन सामग्री आएगी तो उनको काम मिलेगा। तो राम कह रहे हैं कि जो काम दे रहा है वो सम्मान के पात्र का है।
और राम कह रहा है कि अगर ये पुरोहित ना रहे तो अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती, क्योंकि अर्थव्यवस्था को चलाने की ताकत इन पुरोहितों में है। नहीं तो ये पुरोहित ऐसे भी पूजा करा सकते हैं, कुछ मत लाना, बैठ जाना आके, मैं मंत्र पढ़ दूंगा, काम खत्म हो जाएगा, ये भी कह सकते हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता? और बता देंगे कि भाई गढ़ गढ़ में भगवान है, ये सब लाने की क्या जरूरत है, लेकिन ये सब पुरोहित मंगवाता है ताकि बनाने वाले का माल बिके, ताकि नया माल बनाने की प्रेरणा मिले, ताकि मार्केट चलता रहे और इकोनॉमी चलती रहे। दूर दृष्टि देखिए राम की। तो कह रहे हैं कि पुरोहितों का सम्मान बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था को चलाने के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। तब भरत के समझ में आया, उन्होंने कहा कि अगर मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करना, आगे से मैं ध्यान रखूंगा पुरोहितों का सम्मान। दूसरा प्रश्न वो कहते हैं कि तुम्हारे राज्य में जो सेना है, वो सेना के जो सैनिक हैं, उन सैनिकों में जब मैं आया था छोड़कर अयोध्या, तो पगार पर काम करने वाले बहुत कम थे, भावना से काम करने वाले ज्यादा थे, अब क्या स्थिति? तो भरत कहते हैं कि मेरी कोशिश है कि पगार पर काम करने वाले सैनिक अभी भी कम रहे, लेकिन मेरी मजबूरी है, वो मेरी बात सुनते नहीं है। तो राम कहते हैं कि तुम आदर्श राजा नहीं हो। जो राजा अपने सैनिकों में भाव नहीं भर सकता, युद्ध के लिए तैयार नहीं कर सकता, वो आदर्श नहीं है। तुम्हारी कमजोरी है, उसको ठीक करो। सैनिक ऐसे रखो जो बिना पगार के हो लेकिन भावना से देश के लिए लड़े। पगार वाले थोड़े बहुत रखो, ज्यादा नहीं। आज की भारत की सेना बिल्कुल उल्टा है, भावना वाला लड़ने वाला कोई नहीं है। राम का राज्य अभी नहीं है इस देश में। तीसरा प्रश्न वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारे राज्य के जो मंत्री हैं और तुम्हारे महामाते हैं, अमाते हैं, महामाते हैं, ये सब तुम्हारे विश्वास पात्र हैं? तुम इन पर भरोसा करते हो और ये तुम पर भरोसा करते हैं? अगर हां तो राज्य अच्छा है, ना तो राज्य ठीक नहीं है। आज के भारत में देखो, मंत्री प्रधानमंत्री पर भरोसा करते हैं, प्रधानमंत्री मंत्रियों पर भरोसा करते हैं, क्या हालत है दिल्ली की और क्या हालत है राज्यों की? राम जैसा राज्य कहते हैं ऐसा नहीं। फिर अगला प्रश्न है कि तुम्हारे राज्य में जो भी अधिकारी काम करते हैं, उन अधिकारियों को अगर वेतन पर रखा हुआ है तो क्या समय से उनको वेतन मिलता है या दिन देरी होती है? तो भरत कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है? तो कहते नहीं, अधिकारियों को अगर वेतन पे रखा है तो समय से उनका वेतन देना, या तो उनको कह देना कि आप बिना वेतन के काम करो, ये नहीं कि वेतन देने का दिन आज है और आप 20 दिन बाद दे रहे हैं। तो उन अधिकारियों की वफादारी दिखते देर नहीं लगेगी और तुम्हारा राज्य डूबते देर नहीं लगेगी। तो ये हम सबके लिए सूत्र है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, उनके लिए भी ये सूत्र है कि क्या वो अपने काम करने वाले कर्मचारियों को समय से वेतन दे देते हैं। राम इसके पक्षधर हैं कि जो वेतन का दिन है उसी दिन मिल जाना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद अगला प्रश्न वो कर रहे हैं कि तुम्हारे राज्य में तुम माने राजा सुबह उठते हो ब्रह्म मुहूर्त में, प्रजा के बीच में जाते हो, उनका दुख दर्द रोज जानते हो, या महल में सोते रहते हो, कभी हफ्ते में एक दिन जाते हो? तो भरत कह रहे हैं कि आपकी परंपरा को जीवित रखने की मैं कोशिश कर रहा हूं, रोज ब्रह्म मुहूर्त में जाता हूं, कभी कभी प्रमाद आ जाता है, आलस्य भी आ जाता है तो नहीं जा पाता हूं। तो राम कहते हैं कि यही प्रमाद राज्य को डुबा सकता है, इसलिए राजा को बहुत आवश्यक है कि हर दिन प्रजा के बीच में जाए और उसके दुख दर्दों का हालचाल ले। आज का भारत कौन सा प्रधानमंत्री आता है आपके दुख दर्द पूछने के लिए? और गलती से जो कभी आ गया तो कौन सा अधिकारी आपको प्रधानमंत्री के पास जाने देता है अपना दुख दर्द सुनाने के लिए? ये राम का राज्य नहीं है। फिर राम कहते हैं कि तुम एक व्यक्ति से सलाह लेते हो या अनेक से? तो भरत कहते हैं कि मैं कभी कभी अनेक से ले लेता हूं,
तो राम कहते हैं ये बहुत खराब है, सलाह हमेशा एक से ही लेना, माने एडवाइजर एक को ही रखना। आज हमारी सरकार के बीसीओ एडवाइजर हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर, डिफेंस एडवाइजर, फिस्कल एडवाइजर, पता नहीं कहां कहां के एडवाइजर। और एडवाइजर कैसे हैं वो आगे के प्रश्न में। राम कहते हैं कि जिस व्यक्ति से तुम सलाह लेते हो उसकी आर्थिक जीविका तुम्हारे से चलती है, अगर हाँ तो वो बहुत खतरनाक। माने जिस व्यक्ति से तुम सलाह ले रहे हो अगर वो तुम्हारी पगार पे रखा हुआ है तो वो तो खतरनाक है, वो तुमको वही सलाह देगा जो तुमको अच्छी लगेगी। तो सलाह उसी से लो जिसकी जीविका तुमसे नहीं चलती हो, जो स्वयं में स्वतंत्र हो। आज के हमारे एडवाइजर सब पगार पे काम करते हैं तो सब वही सलाह देते हैं जो प्रधानमंत्री को अच्छी लगती, चाहे वो देश को खड्डे में गिराने वाली ही क्यों ना हो। फिर राम आगे प्रश्न करते हैं कि जब तुम कोई योजना बनाते हो विकास की तो तत्काल शुरू होती है या उसमें समय लगता है? तो भरत कहते हैं कुछ जल्दी शुरू हो जाती है, कुछ में समय लगता है। तो राम कहते हैं कि विकास की योजना तत्काल शुरू होनी चाहिए, जो उसमें समय लगा तो विकास हुआ ही नहीं। आज हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं, जो 10 वर्ष के बाद शुरू होती हैं और 20 साल होते होते अधूरी रहती, पूरी तो कभी भी नहीं। फिर राम पूछते हैं कि तुम्हारे राज्य में कोई जानकारी लीक तो नहीं हो जाती, दुश्मन के हाथ में तो नहीं पहुंच जाती? तो भरत कहते हैं नहीं, आज के समय में हमारी गंभीर से गंभीर जानकारियां पाकिस्तान के हाथ पहुंच रही है। अभी तो डिफेंस मिनिस्ट्री का हार्ड डिस्क गायब हो गया है 2 महीने पहले, जिसके लिए भयंकर मारामारी चल रही है। इतनी सिंसियर और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के हाथ में पहुंच रही। फिर राम भरत से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे यहां नीति क्या है, क्वालिटी या क्वांटिटी, माने तुम गुणवत्ता में विश्वास करते हो या ज्यादा लोगों की भीड़ में। अगर गुणवत्ता है तो भीड़ की चिंता नहीं करता। आज के हमारे यहां भारत में हमारे यहां क्वालिटी नहीं है, अब तो भीड़ है, और भीड़ इतनी भयंकर, जो अब रिजर्वेशन का सवाल है ना, ये क्वालिटी को तो बिल्कुल खत्म करने वाला और भीड़ को बढ़ाने वाला। फिर राम पूछ रहे हैं भरत से कि तुम्हारे राज्य में भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है? तो भरत कहते हैं कि स्पष्ट करिए। तो कह रहे हैं कि तुम्हारा जो कुल खर्चा है उसका 1%, 2% या 3% के ऊपर। तो भरत कहते हैं 3% से कम ही है। तो राम कहते हैं और कम करो, ये भ्रष्टाचार अच्छा नहीं है। अब आज के भारत में सरकार के कुल खर्चे का भ्रष्टाचार कितना है जानते हैं? 77%। खुद सरकार कहती है सरकार का कुल खर्चा है ना, उसका 77% करप्शन में जाता है इस देश में। और राजीव गांधी तो और भी विचित्र बोल गए थे, वो कहते थे जब मैं 1 रुपया देता हूं तो 15 पैसे ही खर्च होता है, माने 85% भ्रष्टाचार में जाता, माने 85%। और रामचंद्र जी 1-2% की बात कर रहे हैं, कहते 3% के ऊपर है तो खतरनाक, और यहां 85%। फिर राम पूछ रहे हैं कि तुम्हारे राज्य में जो गुनाह करने वाले हैं दंड देते हो उनको, तो दंड कैसा है? तो भरत कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं है, आप बताओ कैसा दूं। तो राम उसको समझाते हैं भरत को कि देखो दंड बहुत कठोर होना चाहिए लेकिन मानवीय तरीके से दिया गया होना चाहिए, कठोर होना चाहिए लेकिन तरीका मानवीय होना चाहिए, ताकि कठोर दंड इसलिए कि दूसरे को वो शिक्षा दे कि मैं गलती करूंगा तो इतना ही कठोर दंड मुझे होगा, लेकिन मानवीय हो, अमानवीय ना हो। मानवीयता का ध्यान है राम को, दंड भी देना है मानवीयता के साथ देना, ऐसे नहीं जैसे कोड़े मार रहे हैं अंग्रेजों की तरह से, उसमें मानवीयता नहीं। फिर राम पूछ रहे हैं कि तुम प्रजा से सुझाव मांगते हो कि नहीं, राज्य के लिए देश के लिए, या अपनी अपनी चलाते हो? तो भरत पूछ रहे क्यों,
तो राम कह रहे हैं कि अगर प्रजा के सुझावों पर तुम काम करोगे तो प्रजातंत्र स्थापित होगा, तुम अपनी अपनी चलाओगे ये तो अधिनायकवाद हो गया, हमें प्रजातंत्र लाना है, अधिनायकवाद नहीं लाना। फिर वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारे राज्य की सेना में जितने सैनिक हैं उनके पास जो संसाधन है, जैसे हाथी है, घोड़ा है, अस्त्र है, शस्त्र है, ये सब वेल मेंटेन्ड है कि नहीं, हमेशा तैयार है कि नहीं, अगर है तो राज्य सुरक्षित है। फिर आगे प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम्हारे देश के लोगों की सुरक्षा कैसी है, लोग निर्भय होकर जिंदा रहते हैं या हर समय मन में भय रहता है कि अभी चोरी हो जाएगी, अभी डकैती हो जाएगी, कोई मर्डर कर देगा, अगर लोग निर्भय हैं तो राम राज्य है, नहीं तो नहीं। फिर वो कह रहे हैं कि तुम्हारे देश में पानी की व्यवस्था कैसी है, इतना माइक्रो प्रश्न पूछ रहे राम, पानी की व्यवस्था कैसी है, सबको मिलता है, खेतों को मिलता है, पीने को मिलता है या कमी है, अगर कमी है तो पूर्ति करो, आज हिंदुस्तान में पानी की व्यवस्था कैसी है, 6,32,000 गांव हैं, जिनमें से 3,00,000 गांव को कभी भी पीने का पानी नहीं मिलता और भारत का कोई प्रधानमंत्री राम की इस नीति को याद नहीं करता कि सबको पानी मिलना चाहिए। फिर राम पूछ रहे हैं कि धान्य के भंडार भरे हैं, खाली तो नहीं है, गेहूं चावल चना दाल सब भरा हुआ है कि नहीं, खाली तो नहीं है, और आज हिंदुस्तान के धान्य के भंडार, जब भी समस्या हो तो अमेरिका से गेहूं मांगने पहुंच जाते, कभी समस्या हो तो ऑस्ट्रेलिया से गेहूं मांगने पहुंच जाते, इतना गेहूं उत्पादन करने के बाद भी अभी पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया से गेहूं खरीदा है, अमेरिका से गेहूं खरीदा। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारे राज्य में जो पुरोहित पैसे के लिए पूजा कराते हैं वो तुम्हारे दल में तो नहीं है, पैसे के लिए पूजा कराते हैं वो तुम्हारे दल में तो नहीं है, तुम्हारे दल में ऐसे पुरोहित होने चाहिए जिनको पैसे से कुछ लेना देना नहीं, माने पैसे के लिए जो पूजा करेगा वो पुरोहित नहीं है, ये राम की परिभाषा है। पैसे के लिए राम कथा कहेगा वो राम का प्रिय होगा। राम खुद भरत को कह रहे हैं कि जो पुरोहित पैसे के लिए तुम्हारे यहां पूजा कराता है वो तुम्हारे राज्य का भला नहीं करेगा, तुम्हारा भी नहीं करेगा, और आज राम की कथा कहने वालों में कितने हैं जो बिना पैसे कथा कहते, राम खुद यही कहते। फिर राम कहते हैं, इसी को आगे एक्सप्लेन करते हैं कि ब्राह्मण और पुरोहित जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो उनको राज्य से निकाला दो, माने बहिष्कार कर दो, सीमा के बाहर छोड़ दो, वो खतरनाक है। और उसको भी आगे एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि जो ब्राह्मण और पुरोहित पैसे के लिए काम करते हैं अगर तुमने उनको निकाला नहीं दिया तो एक दिन यही तुमको निकाला दे देंगे और राज्य तुम्हारे हाथ से चला जाए। फिर आगे का बहुत अच्छा एक प्रश्न वो करते हैं कि देखो राजा में क्या गुण होने चाहिए, आदर्श राजा की परिभाषा उन्होंने दी है। तो वो कहते हैं कि राजा में सबसे बड़ा गुण होना चाहिए कि वो भगवान पर विश्वास रखे, माने आस्तिक हो, नास्तिक ना हो। तो भरत कहते हैं क्यों, तो वो कहते हैं कि ये दुनिया भगवान की बनाई हुई है, उस दुनिया का एक हिस्सा वो राजा चलाता है, तो राजा का राजा वो भगवान हुआ, अगर उसी पर भरोसा नहीं है तो ये राजा राज्य कैसे चलाएगा, इसलिए भगवान पर भरोसा करने वाला ही राजा होना चाहिए, नास्तिक को राजा होने का अधिकार नहीं है। दूसरी कि जो राजा हो तो हमेशा ऐसा जो प्रजा के हित में सत्य बोलना और सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत रखे। तीसरा, जिसको कभी क्रोध ना आता हो और क्रोध आए तो अपने ऊपर आए, प्रजा पर क्रोध ना करे। चौथा, जिस राजा में दूर को देखने की क्षमता हो, दूरदृष्टि। पांचवा, जो राजा अपनी प्रजा के दुख दर्द को उतनी ही गहराई से महसूस करता हो जैसे वो अपने दुख दर्द महसूस करता है। फिर पांचवा, जो राजा
राजकोष से एक पैसा भी अपने ऊपर खर्च ना करता हो, राजकोष के एक एक पैसे को प्रजा के लिए बचाता हो। फिर आगे का कि जो अपना समय मजा और मनोरंजन करने में व्यतीत ना करता हो, धर्म की चर्चा और ज्ञान लेने में अपना समय व्यतीत करता हो, ऐसा राजा। फिर वो कहते हैं कि जो हमेशा दुश्मन से लड़ने को हर समय तैयार रहे और योजना उसके मन में पूरी रहे। फिर आगे जो राजा कभी भी प्रजा के हित में निर्णय लेने में समय ना लगाता हो, तत्काल फैसला करता हो। फिर उसके बाद अपने ऊपर संयम रखता हो, जितेंद्रिय हो। फिर उसके बाद कि कभी भी दोपहर को सोता नहीं हो, ये विशेष कहा है। राजा दोपहर को नहीं सो सकता, प्रजा सो सकती। राजा को दोपहर को सोने की अनुमति रामचंद्र जी ने भी नहीं दी है। राजा को दोपहर को सोने का वर्जन है और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाने की है नियम, और प्रजा के बीच रोज जगना है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जो प्रतिदिन अभ्यास करता हो ज्ञान के ग्रंथों का, वो वेद हो या कोई दूसरे ग्रंथ, हर समय अभ्यास करता रहे। और उसके बाद जो अपने ज्ञान को प्रजा के साथ बांटे, शेयरिंग करे, ऐसा राजा। फिर वो कहते हैं कि हमेशा अपने प्रजा की समृद्धि और राज्य की समृद्धि के लिए चिंतित रहे। और आखिरी जो वो कहते हैं कि अपनी मान्यताओं और परंपराओं से दूर ना हटे, जो माने भारत की जो मान्यता और परंपराएं हैं उन्हीं पर विश्वास करने वाला हो। ऐसे 18 गुण राम ने वर्णन किए हैं और भरत को पूछ रहे हैं कि बताओ इसमें से तुम क्या पालन कर रहे हो। अगर ये 18 गुण तुम में है तो तुम राजा बनने के काबिल हो। तो भरत कहते हैं कि भगवान, इनमें से 2-3 को छोड़कर मुझमें कोई गुण नहीं है, इसलिए कह रहा हूं आप चलो वापस। तो राम कहते हैं कि मेरे चलने से समस्या का समाधान नहीं होगा, तुमको अपने गुणों को बढ़ाना होगा। मैं तो अभी 14 साल के बाद ही आऊंगा, तुमको अपने गुणों को बढ़ाना होगा। और अंत में भरत को कहते हैं कि जितने प्रश्न मैंने तुमको किए हैं इन सब को समूह में इकट्ठा करो, तब मान लो कि राम राज्य है, और अगर नहीं है तो लाने की कोशिश करो। आज के भारत के बारे में हम कल्पना करें, रामचंद्र जी की कल्पना के अनुसार राज्य नहीं है, ये तो हम देख रहे हैं स्पष्ट। एक प्रश्न राम ने किया है वो मैंने छोड़ दिया क्योंकि उसमें समय लगेगा, लेकिन संकेत कर लो, राम भरत से पूछ रहे हैं कि तुम जो खर्च करते हो पैसा, उसमें कितना खर्चा तुम्हारे ऊपर है और कितना प्रजा के ऊपर। तो भरत कह रहे हैं कि राज्य व्यवस्था पर 20% खर्च करता हूं और प्रजा पर 80% खर्च होता है। तो राम कहते हैं कि अपने ऊपर खर्चा और कम करो, 15% अपने ऊपर, 85% प्रजा के ऊपर। आज के बजट की स्थिति बिल्कुल उल्टी है। सरकार के ऊपर खर्च होता है 90%, प्रजा के ऊपर खर्च होता है 10%। हर साल का 5.5 लाख करोड़ का बजट है, उसमें प्रजा का विकास का खर्च 55,000 करोड़ है और सरकार चलाने का खर्च लगभग 5 लाख करोड़ है। तो रामचंद्र जी कह रहे हैं कि प्रजा का खर्च ज्यादा हो और आज के जमाने में राजा का खर्च ज्यादा है तो प्रजा का भला कैसे होगा। तो जब तक राम राज्य नहीं आएगा प्रजा का भला नहीं होगा। तो राम राज्य कब आएगा? जब बजट का 85% प्रजा पर खर्च हो, 15% राजा पर खर्च हो, तब राम राज्य आएगा। तो आप बोलेंगे जी हम कैसे लाएं, आप सब राम जी के भगत हैं, उनका राज्य क्यों नहीं लाएंगे? नहीं तो आप राम जी के भगत कैसे हुए, जरा ये बताइए। राम ने तो पुरुषार्थ की बात की है और राम तो बार बार कह रहे हैं कि पूजा और परंपरा के आधार पर कर्मकांड इतना ही नहीं है, राज्य को आदर्श बनाना है। भरत को कह रहे कि खाली तुम मेरी चरण पादुकाएं रख के उनकी पूजा करो और राज्य की नीतियां तुम्हारी खड्डे में जाए, इतने से नहीं चलेगा। नीतियां ठीक करो, भले मेरी चरण पादुकाओं की पूजा करो या मत करो। तो भगवान खुद कह गए हैं कि मेरी चरण पादुकाओं की पूजा करो या मत करो, लेकिन नीतियां ठीक करो राज्य की। तो हम अब सब मिलके
एक प्रयास करें कि इस राज्य की नीतियों को ठीक करें। आप बोले कि जी कैसे ठीक होगा, आप इतना ही बोलना शुरू करिए कि देखो भगवान जी कह गए रामचंद्र जी ऐसा राज्य होना चाहिए, तो जब भी इस देश में वोट का समय आए और कोई भी नेता दरवाजे पर खड़ा हो तो कहो राम राज्य लाओगे, कहेंगे हाँ हाँ लाएंगे, तो बताओ क्या है राम राज्य, पूछो उनसे राम राज्य क्या है। मैंने बहुत नेताओं को पूछा राम राज्य क्या है, कह लगे यार वो महात्मा गांधी की किताब में कुछ लिखा है, तो पढ़ के बताओ उसमें क्या लिखा है, किसी को मालूम नहीं। राम राज्य चिल्लाने वालों को मालूम नहीं है राम राज्य क्या है, तो लाएंगे क्या। तो इसलिए मैंने आपको ये विस्तार से बताया है कि राम राज्य क्या है। अगर आप इसको और अच्छे से पढ़ना चाहें तो ये राम राज्य के जितने सूत्र हैं ये कालिदास के रघुवंशम में है। कालिदास के रघुवंशम में 19 अध्याय है, उनमें से जो 12वें नंबर का अध्याय है उसमें ये पूरे प्रश्न है, 52 प्रश्न है भरत को किए हुए, और इसका नाम है कश्चित सर्ग। कश्चित सर्ग, कश्चित माने सरल भाषा में क्या आप ये करते हैं, डू यू डू दिस अंग्रेजी में कहें, भरत को पूछ रहे क्या तुम ऐसा करते हो, इसलिए इसका नाम है कश्चित सर्ग। तो रघुवंशम का, कालिदास के रघुवंशम का कश्चित सर्ग पढ़िए, राम राज्य की सब नीतियां विस्तार से हैं और आप सब इसको लाने में लग जाइए। मुझे ऐसा भरोसा है कि आप मैं हम सब मिलकर राम कथा कहें सुने, लेकिन राम राज्य स्थापना के लिए, तो आप कहेंगे जी हम तो राम कथा सुनते हैं मोक्ष के लिए, तो सुनो रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं, और ये कह के मैं खत्म करूंगा। रामचंद्र जी विभीषण के साथ संवाद कर रहे हैं और विभीषण कहते हैं जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या, तो राम कहते हैं मोक्ष। तो विभीषण पूछ रहे हैं आप भी मोक्ष जाएंगे, हाँ हाँ जाऊंगा, तुम भी चलो। तो विभीषण कह रहे हैं मुझे तो मालूम नहीं मोक्ष कैसे होता, तो राम कह रहे हैं बहुत गंभीर बात उन्होंने, वो ये कह रहे हैं कि देखो मोक्ष कोई गुरु नहीं दिला सकता, दैविक दुख माने देव का दिया हुआ दुख, और भौतिक देखो मोक्ष कोई गुरु नहीं दिला सकता, दैविक दुख माने देव का दिया हुआ दुख, और भौतिक माने गरीबी भुखमरी बेरोजगारी का दुख। तो विभीषण को कह रहे हैं कि दैहिक दैविक और भौतिक दुखों से मुक्त बनो और सबको मुक्त कराओ तो तुम्हारा मोक्ष होगा, और मेरा पूरा जन्म 14 साल का वनवास इसी का प्रमाण है कि मैंने अपने को दैहिक दैविक और भौतिक दुखों से मुक्त कराया, और वनवासियों को दैहिक दैविक भौतिक दुखों से मुक्त कराने के लिए 14 साल में भटकता रहा, तो मैं सोचता हूं कि शायद मेरा मोक्ष होगा, लेकिन तुम अगर चाहते हो मोक्ष तो इस रास्ते पर चलो। अब राम जी के मुंह से कही हुई बात है, वो खुद कह रहे हैं कि मोक्ष चाहिए तो दैहिक दैविक और भौतिक दुख से मुक्त बनो और दूसरों को बनाओ, माने निस्वार्थ भाव से सेवा करो। और ये बात मुझे एक बहुत बड़े संत ने भी कही थी जब पहली बार मैं उनको मिला था, उनका नाम आदरणीय श्री परम पूजने श्री राम सुखदास जी महाराज। मेरा उनका पहला मुलाकात ऋषिकेश में हुआ, वो जो आश्रम है ना जहां पर वो अक्सर प्रवचन व्याख्यान दे रहे, मैं उनको मिलने गया, गलती से मैंने उनके पैर छू लिए तो उन्होंने मेरे पैर छू लिए। उस दिन मुझे पता चला कि ये अद्भुत संत है जो श्रावक के पैर छू सकते हैं। तब उनके एक शिष्य ने कहा कि महाराज जी पैर नहीं छुनवाते, आपने छू लिए तो वो प्रायश्चित करेंगे, इसलिए उन्होंने आपको छू लिया। तो उस दिन से मैंने उनके पैर नहीं छुए। उस मुलाकात में मैंने उनसे कुछ बात की और उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछे, तो उन्होंने पूछा तुम ये सब क्यों करते हो, ये आजादी बचाओ आंदोलन, ये गो हत्या विरोधी अभियान, ये सब क्यों करते हो, क्या क्या क्यों करते हो, कारण बताओ। तो मैंने कहा कि महाराज जी ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। उन्होंने कहा ठीक है ये तो बेकार है, और कोई कारण बताओ, और कोई कारण बताओ। अंत में मैंने कहा महाराज जी मोक्ष जाना है इसके लिए करते हो, तो उनका तुमको लगता है तुम्हें मोक्ष होगा, मैंने कहा हाँ लगता तो है, तो उनका ऐसे नहीं होता। फिर मैंने कहा कैसे होता है, तो उन्होंने कहा कि ये जो तुम करते हो इससे ये बताओ कि सेवा होती है क्या, अगर सेवा होती है और सेवा भी ऐसी जिसमें तुम्हारी कोई अपेक्षा ना हो,
तो मैं बिल्कुल ही अपेक्षा ना हो कि मैं सेवा करूंगा तो बदले में मेरा अखबार में नाम छपेगा या टीवी पर इंटरव्यू आएगा या मुझे दान मिल जाएगा या ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसी अपेक्षा रख के करते हो तो समझ लो कि मोक्ष तो नहीं, पाताल में भी जगह नहीं तुम्हारे। हाँ ये जरूर है कि बिना किसी भावना के, अपेक्षा के तुम अगर सेवा करो और उस सेवा से किसी के दुख दूर हो जाए, दैहिक दैविक और भौतिक, तो कल्पना कर सकते हो कि तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तो अगर मोक्ष चाहिए तो सेवा करो बिना स्वार्थ के, दैहिक दैविक और भौतिक दुखों को दूर करने की। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब यही प्रयास करें एक दूसरे के दैहिक दैविक और भौतिक दुखों को दूर करने का, तो जरूर हमें मोक्ष मिलेगा। लेकिन मोक्ष के पहले राम राज्य तो स्थापित हो ही जाएगा, क्योंकि अगर राम राज्य नहीं होगा तो मोक्ष भी नहीं मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब इस राम राज्य को लाने में लग जाएं, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये नहीं हो सकता है। अगर ये नहीं हो सकता तो राम जी कहते क्यों इसको, क्योंकि उन्होंने कहा तो वही है जो होता है, जो नहीं होता वो उन्होंने कहा ही नहीं है, चर्चा भी नहीं की है किसी से। तो वो कहा है तो जरूर होता होगा और बार बार हुआ होगा इस देश में, क्योंकि राम एक बार कह रहे हैं लक्ष्मण से कि देखो मैं कुछ नई बात नहीं कह रहा हूं और नया नहीं कर रहा हूं, परंपरा से भारत में हजारों साल जो होता आया है सब पुरुषों के हाथों, मैं भी वही करने की कोशिश करूं। माने हजारों साल से करोड़ों साल से ये होता आया है, तो राम जी वही कोशिश कर रहे हैं तो हम राम जी के भक्त भी वही कोशिश कर सकते हैं। ये जरूर है कि हम राम नहीं हो सकते, लेकिन 0.00001% तो हो सकते, कहीं उनके चरण की धूल के बराबर तो हो सकते। अगर इतने भी हम हो तो उस गिलहरी जैसी कहानी तो बना ही सकते हैं जो समुद्र पे अपनी पूछ में धूल लपेट के ले जा रही है और पुल बनाने के लिए डाल रही है। तो लक्ष्मण कह रहा है ऐसे कोई पुल बनता है क्या? तो गिलहरी कहती है कि मुझे मालूम है कि मेरे इस छोटे 2-3 टुकड़े से पुल तो नहीं बनेगा, लेकिन मेरे ये धूल भरे दाने डालने से समुद्र को पता तो चलेगा कि एक गिलहरी भी थी जिसने मेरे पानी पर पुल बना दिया था या पुल बनाने में मदद कर दिया था। तो हम सब कमजोर लोग हैं, मान लें बहुत ज्यादा तपस्वी नहीं है, तेजस्वी नहीं है, राम जी के सामने तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके चरणों की धूल के बराबर या वो गिलहरी की पूंछ में फंसे हुए बालू के कण के बराबर इतने अगर हम हैं तो उतना तो प्रयास करें। अपने जीवन की निष्क्रियता तो छोड़ें। राम ने जिंदगी की निष्क्रियता तोड़ने के लिए 14 साल का वनवास ले लिया, तो हम अपने घर से घंटे भर का वनवास लेके तो निकले समाज में कुछ सेवा कार्य करने के लिए जिसमें हमारा अपना कोई स्वार्थ ना हो। कोई घंटे भर के लिए निकले, कोई 2 घंटे के लिए, कोई 5 घंटे के लिए, जिसकी जितनी शक्ति और क्षमता है उस हिसाब से वो निकले, तो मुझे विश्वास है कि इस देश में राम राज्य जरूर आएगा। और मैं राम की कथा को राम राज्य लाने का निमित्त मानता हूं। राम की कथा सिर्फ कहने और सुनने के लिए है तो मैं मानता हूं कि वो श्री राम का ही अपमान है। उन्होंने पुरुषार्थ और तेजस्विता का जो आदर्श प्रस्तुत किया है, अगर वो आदर्श स्थापित करने की तरफ हम नहीं बढ़ते तो इस राम कथा को कहने और सुनने से कोई फायदा नहीं। अगर राम कथा को कहने और सुनने से हमारा जीवन और इस देश और समाज का जीवन बदलता है तो ये हमारे लिए आदर्श और अभीष्ट बनता है। ऐसी ही भावना के साथ आपको निवेदन करता हूं कि आप राम कथा से मर्म निकालें और उसको अपने जीवन में स्थापित करते हुए इस समाज में कैसे लाएं और इसके लिए सक्रियता कैसे बढ़ाएं, ऐसे ऐसे अपने रास्ते खोलें। श्री राम जरूर हमको मदद करेंगे, आशीर्वाद देंगे, जरूर हमारे लिए रास्ते खोलेंगे। ऐसी अपेक्षा और भावना के साथ आप सभी का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।